विष्णुपाद स्तोत्र शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में आनंद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परिशिक्षा गुरुपाद पद्म वितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शतश्री श्री श्रीमद भक्ति के धाम नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजी के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्णा इंद्र पूजा को उन्होंने बंद करा के कहते श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा उन्होंने प्रारंभ कराया। हर साल ब्रजवासी इंद्र पूजा करते थे लेकिन इस साल उन्होंने इंद्र पूजा की नहीं। इंद्र ने सोचा हर साल तो ये पूजा करते थे और लड्डू कचौड़ी दम आलू और बढ़िया बढ़िया प्रसाद हम खिलाए करते थे लेकिन इस बार तो कोई ब्रज में कोई पूजा पूजा की कोई नाम करने नहीं। उन्होंने एक दूत को भेजा, भैया देख कर आओ ये ब्रजवासी क्या कर रहे हैं। वो दूत आकर के देखा इंद्र के लिए जो लड्डू कचौड़ी मालपुआ बढ़िया बढ़िया सब्जी बना करके इंद्र के लिए रखा हुआ था उसको लेकर के कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा रही। वो वापस जाकर के बोले तुम्हारा लिए जितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया था वो कृष्ण बोलने पर सबके सब श्री गिरिराज की पूजा करवा रहे हैं। इंद्र को तो इतना क्रोध आया कृष्ण को तो गाली देने लग गया। बोले अज्ञा मूर्ख बालक स्तब्ध अज्ञानी उल्टा पुल्टा कृष्ण को गाली देने लग गए। बोले एक साधारण बच्चा का बात सुन करके मेरी इंद्र पूजा तो बंद करवा दिया, ये ब्रज नाम का कोई गांव में नहीं रखूंगा। उन्होंने संवर्त में अनचास पवन को बुलाया, बोले ऐसे वृंदावन में बारिश ओले वृष्टि हो हाथी के सूर पे जैसी बारिश हो ये ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाएगा। अभी इनके आदेश को पा करके मानो वृंदावन में प्रलय बच गया। इतने जितने सब ब्रजवासी सबके सब कृष्ण को पास गए, बोले कृष्णा तू बोलने पर हमने ये इंद्र पूजा बंद करवा दिया, देखो ये इंद्र क्या कर रहा है, तुम रखा करो। बोले कोई चिंता मत करो हम लोगों ने गिरिराज की पूजा की, चलो सारे सामान को लेकर के गिरिराज की तलेट में जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा छतरी को उठा ले ऐसे ही कृष्णा बाम अंग कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में उन्होंने श्री गिरिराज उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो सारे सामान को लेकर के ये गिरिराज की तलहटी में आ जाओ। अभी कृष्ण गिरिराज को धारण करके रखी और मैया जसोदा बारंबार कृष्ण को मक्खन खिला रही थी लाला को भूख नहीं लग जाए हाथ में दर्द नहीं हो जाए हाथ को मालिश कर रही थी। इतने में सखा ने क्या कन्हैया तू कब तक ये गिरिराज को उठा करके रखोगे हाथ दर्द हो जाएगा थोड़ी हाथ तो विश्राम कर ले हम लोग डंडे से ये गिरिराज उठा लेते हैं। सब ब्रजवासी क्या सोचते कृष्ण तो हमारे लाला सखा है उनको तो पता नहीं ये भगवान तब सबके सब लेकर डंडे टिका दिए। बोले तुम थोड़ी सी विश्राम ले ले। कृष्ण ने कहा ब्रजवासी हो तुमसे गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले मेरे से नहीं टिकेगा क्या तुम अकेला मैया का दूध पिए हमने मैया का दूध नहीं पी हम भी मैया का दूध पी रखे इसलिए तुम नीचे हाथ कर ले। कृष्ण जब हाथ को नीचे करने लगे गिरिराज नीचे आने लगता जो डंडा लगा कर रखे थे ना सब डंडा टूटना शुरू किया। बोले कन्हैया हमसे ही गिरिराज नहीं टिकेगा तू ही गिरिराज को धारण कर ले। अभी राधा रानी एकदम पूरा तिरछी नजर से गिरिराज को देख रहे थे। बोले गिरिराज अगर तुम नीचे आओगे ना तेरे को मैं अपना दृष्टि से तुमको चला करके राख बना दूंगा। इसलिए ब्रज में के कहा बते है कच्छ मात न तो बल बढ़ो कच्छ गोपने करी सहाय और श्री राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठा। बोले श्री राधा रानी की जय। अभी जब राधा रानी सामने आ गई ना अभी कृष्ण राधा रानी को देख करके
कृष्ण का डगमाने लग गए, क्योंकि राधा जी प्रेम स्वरूपिणी भक्ति स्वरूपिणी देखकर कृष्ण का हाथ हिलने लगा, गिरिराज टलमल करने लग गया। सखा कहे कन्हैया किधर देख रहे हो, सावधान इधर उधर मत देखा करो, क्योंकि राधा रानी की तरफ में देख रहे थे, राधा रानी ही को तरफ में देख रही थी, इसने में बोले सावधान से खड़े हो, इधर उधर मत देखा करो, तो कहाँ देख रहे हो। इसलिए अभी सबके सब गिरिराज के नीचे उत्सव मच रहा है। 7 दिन तक इंद्र ने पूरा जी जान ताकत लगा दी। 7 दिन के बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा, बोले देख करके आओ तो ब्रज में क्या हो रहा है। एक दूत ऊपर ऊपर से देख कर गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में तो एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म, पूरा खत्म, ब्रज में कोई है नहीं। उसने और एक दूत को भेजा, तू देख कर क्या। उसने नीचे आया, नीचे आकर के देखा ब्रज में तो धूल उड़ रहा है, वहां पर एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं। कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठा करके रखे, अरे सारे ब्रजवासी वहां पर उत्सव मना रहे हैं, सबके सब आनंद में। बोले आज भी रज में होरी रे रसी, कीर्तन कर रहे थे। ब्रजवासी बड़े आनंद पूर्वक कृष्ण को दर्शन करते हुए वहां पर तो उत्सव मच रहा था। जब वो वापस गया, इंद्र ने पूछा, बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश ना, तेरा सत्यानाश है। बोले मतलब? बोले जिसको तू साधारण बालक समझ रखा था, वो तो कनिष्ठ अंगुल ऊपर में गिरिराज को उठा करके रखे, ब्रजवासी तो आनंद में कीर्तन कर रहे थे। इंद्र ने देखा, फिर ये कौन है। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, ये तो मेरे प्रभु है, जिसने मेरे को कृपा करके वामन अवतार में इंद्र से इंद्रपद को लेकर के मेरे को अर्पण किया था। लगता है मेरा इंद्रपद ही चला गया, ठाकुर जी के चरण में अपराध हो गया। उसने अमरावती में अपना सची इंद्राणी के साथ में विश्राम करने के लिए गया, तो उसको इतनी घबराहट हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, लगता है मेरे पोस्ट चला गया। फिर अपना गुरु बृहस्पति को पास में गया, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे बात क्या करनी चाहिए। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो पितामह ब्रह्मा जी को पास में। जब ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले तुमने सर्वनाश कर दिया, ये कृष्ण ऐसे एक अवतार है ना, किसी की घमंड को उन्होंने नहीं छोड़ा। उस दिन पहले मैं भी बड़े बुरे तरह से फंस गया था। बोले कैसे? बोले कृष्ण जिस समय उन्होंने अघास रूप को उन्होंने वध किया, कृष्ण का उम्र था तो बोले 5 साल की, विशाल अघास रूप उन्होंने वध किया, और इतने में देवता लोग भगवान कृष्ण की जयकार लगाए, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। जब जयकार लगाए, मैंने ब्रह्मलोक से उतर करके आया, इतने जय जयकार क्यों हो रहे। आकर के देखा, इतने 5 साल का बच्चा इतने बड़ी दैत्य को वध किया, और उसको ब्रह्म तालुक फट करके ज्योति आकाश मार्ग में घूम रहा था, फिर वो कृष्ण के शरीर में समा गया। मैंने सोचा बालक कौन है, ये ब्रह्म ज्योति भी जिसके शरीर में समा गया। मैंने आगे थोड़ी सी लीला दर्शन करने के लिए, कृष्ण जब सखाओं के साथ में बैठी करके भोजन कर रहे थे, मैंने बछड़े और सखा उन्होंने मैंने
चोरी करके गुफा में बंद कर दिया, और कृष्ण ठीक वैसे सखा बछड़े को सृष्टि करके लीला कर रहे थे। बाद में मेरे को पता चला कि भगवान कृष्ण भगवान मेरे पिताजी के पिता, पता नहीं कितने मेरे को नाक रगड़ना पड़ा उनकी चरण में, बड़े कष्ट से अपराध से माफ हुआ, तुमने सर्वनाश कर दिया, कृष्ण के चरण में अपराध किया, ये भगवान ही। बोले बताओ हमें क्या करनी चाहिए। बोले देखो उनका नाम गोपाल है जो गैया को पालन करते हैं, इसलिए कहते नाम ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गो और ब्राह्मण को हित करने वाले भगवान, चलो हम सुरभि गाभी की आनुगत्य में भगवान की शरण में जाते हैं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को शरण में आए। भगवान कृष्ण इंद्र को बड़ा शासन किया, बोले तुम्हारे अंदर में अहंकार हो गया था, तुम क्या सोच रहा था मैं स्वर्ग का राजा हूँ और ये जो ब्रजवासी है ना ये सब के सब हमारी प्रजा है, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो घास नहीं होगा, घास नहीं उगेगा तो गैया क्या खाएंगे, गैया नहीं खाएंगे तो दूध कहाँ से देंगे, इनका दूध ही प्राणी, इसलिए मैंने तुम्हारी अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये काम की। जानते हो ये ब्रजवासियों का महिमा, ये ब्रजवासियों का अनंत महिमा है, क्योंकि ये ब्रज ब्रज एक रज में इतने शक्ति है, तुम्हारे जैसे कितने इंद्र चंद्र को भी ये प्रकट कर सकते हैं। नंद बाबा अगर मेरे को बोलते हैं बोले लाला मेरे खड़ाव ले आओ, मैं ठुमुक ठुमुक करके चल करके नंद बाबा का खड़ाव को सर पर रख करके ले आता हूँ, हैं? इसलिए जिनकी झूठन खाता हूँ, जिनकी चरण की मैं सेवा करता हूँ, और तुम क्या सोच रहा था तुम स्वर्ग का राजा, ये ब्रजवासी तेरी प्रजा, खबरदार कभी ऐसे अभिमान नहीं करना, मैं जिसको पर कृपा करता हूँ उसका सब कुछ अभिमान को मैं चकनाचूर कर देता हूँ। इंद्र ने माफी मांगे भगवान को, उन्होंने दूध दही से ठाकुर जी का स्नान करके ठाकुर जी का एक नाम रख दिया गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की, ऐसे ही ठाकुर जी ब्रज में बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी ब्रज में लीला कर रहे थे। जब ठाकुर जी ब्रज में बड़े सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे और ब्रजवासी बड़े आनंद पूर्वक लीला आस्वादन कर रहे थे, एक समय भगवान ने ब्रज की जो छोटी छोटी गोपियां थी, बोले कितने उम्र थी उनकी, बोले जिनकी उम्र 4 साल 5 साल है, एकदम इतनी छोटी 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 गोपियां, ये क्या करते थे सब गोपियों को भुला भुला करके एकदम सवेरे सवेरे जा करके यमुना में स्नान करती थी, रेतियों में सुंदर बालुका बना करके कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। बोले कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। बोले इसी मंत्र से कात्यायनी की पूजा करती थी वो, ये मंत्र इतने शक्ति मंत्र में, बोले हे कात्यायनी हे महामाये अघटन घटे घटन पटे असी तुम, हे को नहीं नहीं को तुम हे कर सकते हो, अगर तुम हमारी पर प्रसन्न हो नंद के लाला जो कृष्ण है ये हमारी पति हो जाए। एक महीना तक एक बार दिन में खाया करती थी और दिन रात कृष्ण कीर्तन करती थी, बड़ी नित्य नियम पूर्वक उन्होंने जब कात्यायनी पूजा की ना, और लास्ट का दिन कभी जो पूजा कर रही थी सब कौन पूजा कर रही थी, कभी गोपियां कोई साधारण नहीं, ये सब के सब पूर्व जन्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कठोर तपस्या की, जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में गए थे वहां पर ऋषि लोग गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे लेकिन उनको सिद्धि नहीं हो रही थी, लेकिन जब प्रभु राम को दर्शन किया उस श्याम की याद आई, बोले प्रभु हमें पति रूप में स्वीकार कर। भगवान राम बोले ये अवतार में एक सीता के सिवाय मैं किसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग ब्रज में गोपी बन करके आओ, वो जो बड़े बड़े ऋषि लोग थे वो सब गोपी बन करके आए। जब भगवान राम जनकपुरी में गए वहां पर जो जनकपुरी के जो सीता की जो सहेलिया वो भी प्रभु राम रूप देख कर मुक्त हो गए, बोले प्रभु हमें भी आप अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान बोले तुम लोग द्वापर युग में आओ,
उन लोगों ने द्वापर युग में गोपी बन करके आए, बोले वेद का कुछ मंत्र था, उन लोग कठोर तपस्या कर रहे थे, जब भगवान संतुष्ट हुए बोले वर्मा बोले प्रभु हमें गोपी रूप में आप स्वीकार कर। तब इन लोगों ने सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आए। अरे गोपिया कौन है, ये कोई लड़की फड़किया नहीं है हमारे जैसे, ये सबके सब वेद का मंत्र ऋषि मुनि ये सबके सब गोपी भाव से प्रभु को भजन की है। इसलिए कोई कोई भगवान पर कटाक्ष करते हैं ना, क्या कटाक्ष करते हैं हाँ? जब कृष्ण करेंगे लीला हम, जब हम करके खेला, क्या कृष्ण केवल ये गोपियों को लेकर रास कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं? कभी कभी बोलते हैं ना ठाकुर को ऊपर में कीचड़ उछालते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? कृष्ण केवल रास कर सकते हैं? कृष्ण कितने गोपियों को साफ करा सके पता है? बोले 100 करोड़। कितने? 100 करोड़। कृष्ण जब द्वारका में जब गए कितने रानियां थी कृष्ण की? 16108 रानियां थी। आप लोगों ने शादी किए हो? कौन कौन शादी किया हाथ उठा। एक पत्नी को संभालना जो शादी किए उनको पता होगा एक पत्नी को संभालना कितना कठिन। अब देखना जब लड़की शादी करती करके जब ससुराल जाती है बहुत रोती है। एक लड़की शादी करके ससुराल जाके बहुत रो रही थी, ससुराल जाना पड़ेगा। अभी परिवार लोग समझा रहे थे क्यों रो रही हो, चिंता मत करो, हम लोग बीच बीच में जाएंगे, खुद भी बीच बीच में आना। लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रही थी। पत्नी बोला चुप हो जा, कब से रोती जाती है, चुप हो जा, देखो क्या कहती है। बोले जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा। और मैं नहीं रहूंगी जिंदगी भर, तू रहोगी हैं? एक पत्नी को पालन करना कितने कठिन, जो घर गृहस्थी करते होगे तुमको पता चलता होगा एक पत्नी पालन करना कितना कठिन है। बोले एक व्यक्ति का 2 पत्नी हुई। अभी रोज घर में बाहर पति घर बाहर काम करके आए, सोचता है घर में जाऊंगा तो पत्नी मीठी मीठी है बात सुनाएगी, दव माल खिलाएगी, गर्म और रोटी कड़वा खिलाएगी बैठा करके। लेकिन घर में आए तो रोज रोज लड़ाई, रोज घर में झगड़ा। अभी वो व्यक्ति परेशानी, रोज घर में लड़ाई क्या किया जाए। बोले एक काम करता हूँ, 2 मंजिली मकान बना देते हैं, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, फिर झगड़ा नहीं होगी। लेकिन वो जो नीचे रहती ना, पति जब बाहर से आते ही वो बढ़िया बढ़िया कड़म दम आलू चावल बना करके पहले से नीचे बैठी रहती है, और पति आते ही जोर जबरदस्ती हाथ पकड़ करके नीचे ले जाती। अभी जो ऊपर रहती दिन भर परेशानी, ये तो रोज रोज घर की नाटक है, ये तो ऊपर आते ही नहीं। एक दिन जो ऊपर थी ना वो भी रोसे बना करके नीचे आकर बैठी, बोला आज मजा चखाऊं। पति जब काम करके बाहर से आए उसको जोर करके हाथ पकड़ करके ऊपर ले जा रही थी, बोले नीचे रोज रोज चले जाते हो, हाँ ऊपर आते ही नहीं। इतने में उसी समय में वो जो नीचे रहते थे ना ऊपर तो एक हाथ पकड़ कर ले जा रही है, जो नीचे रहते थे बोले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो खाना बना करके नीचे बैठी हूँ, एक तो हाथ पकड़ कर ऊपर ले जा रही और एक नीचे टांग पकड़, एक ऊपर खींच रही हाथ पकड़ कर दूसरे टांग खींच रही। अभी एक चोर घर में चोरी करने आया था, इतने में वो चोरी क्या करेगा, उसने तो नाटक देखना शुरू कर दिया। भैया घर में 2 पत्नी होने से घर में कैसे नाटक होता है, बड़े समय तो उसको ही छोड़ेगी, टांग पकड़ और हाथ पकड़ खींच रहे। बड़े देर से जब उनकी झगड़ा खत्म हुई, इतने में देखा घर में चोर घुसा हुआ, झट पकड़ लिया चोर को, अभी पुलिस को पास में ले गए। इतने में चोर कहता है पुलिस साहेब जो कुछ आप सजा दोगे सारे सजा को तो लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक सजा मेरे को मत दो, मेरे घर में कभी 2 पत्नी नहीं होनी चाहिए, घर में मेरे कभी 2 बीवी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक को संभाला कितना, दोनों को तो कितना कठिन। और कृष्ण कितने गोपियों के साथ में रह सकिए, कहीं कहीं आती है 100 करोड़, कहीं कहीं आती है 300 करोड़ों गोपियों के साथ में रह सकिए। और हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में, कृष्ण मेरे साथ में, सब गोपियां देख रही थी। और द्वारका में जब भगवान 16108 पटरानियों से लीला कर रहे थे, एक दिन नारद जी गए घर में एक पत्नी को संभाल नहीं जा रहा है, और कृष्ण इतने पत्नी को कैसे संभालते हैं। वो गए द्वारका में देखने के लिए, जब उन्होंने रुक्मिणी के महल, सभी के लिए अलग अलग महल बनी थी,
जब रुक्मिणी महल में गए ना, देखा ठाकुर जी यज्ञ कर रहे थे और भगवान नारद जी को स्वागत करके बैठाए और उनको पूजा की। जब वहां से फिर जब दूसरे घर में गए सत्यभामा घर में, देखा वहां पर ठाकुर जी को बच्चों को पढ़ा रहे थे। अभी जिन जिन घर में गए ठाकुर जी का अलग अलग लीला करते हुए, और हर घर में जाए तो ठाकुर जी कहते नारद जी आप तो बड़े दिनों में आए, चलो अभी अभी कृष्ण विदाई दिया और कहते बड़े दिनों में चकरा गए। इसका मतलब है अगर हमारी कोई सारी इच्छा को कोई पूरी कर सकते है ना, केवल तो कृष्ण ही कर सकते, दुनिया में कोई नहीं कर सकते हमारी इच्छाओं को पूरी। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, इसलिए भगवान कृष्ण ब्रज गोपियों की तपस्या को देख करके संतुष्ट हुए, संतुष्ट होकर के उनको वरदान दिया। बोले तुम लोगों के साथ में शरद पूर्णिमा में तुम लोगों के साथ में रास करूंगा। अभी शरद पूर्णिमा कृष्ण अभी विश्राम कर रहे थे, जब उन्हें पूर्व दिशा का खिड़की को खोले ठाकुर जी, उन्होंने चंद्रमा को दर्शन किया है। पूर्ण चंद्रमा को दर्शन करते हुए जैसे चंद्र, लेकिन इनको याद आया क्या, राधा रानी के मुख चंद्र भी उनके याद आए। याद आए तो कृष्ण आए बंसी बट को नीचे। तब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रथम श्लोक में कहते हैं, बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मलिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया उपासिता। कहती रास रचया कौन है, बोले भगवान। ये भगवान रास कर रहे हैं, कोई ये जीव रास नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहते भैया भगवान कहते हैं किसको, हाँ देखो ध्यान देकर सुना। हम लोग कहे ना जिसको तिसको भगवान बोलना शुरू कर देते हैं, कोई चमत्कार कोई जादू देख लेना है, बस अमुक भगवान अमुक भगवान। भैया भगवान भगवान कोई नहीं है, है? यहाँ पर कहते जो भगवान के अंदर में छह गुण जिसको अंदर में परिपूर्ण रूप में होना वही भगवान। बोले छह गुण क्या है, बोले समग्र ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्यश्चैव सर्वानुभवम् इति गणा। देखो ध्यान देकर सुनो और गिनो, कहते जिसको अंदर में छह गुण रहेगा, थोड़ी बहुत बोली नहीं, जिसको अंदर में परिपूर्ण रूप में जिसको अंदर में छह गुण हो। बोले छह गुण क्या, बोले समग्र से ऐश्वर्य, बोले थोड़ी सी नहीं, विश्व ब्रह्मांड के केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य का जो मालिक हो। इसलिए देखना ठाकुर जी की चरण को कौन सेवा करती है, माँ लक्ष्मी स्वयं ठाकुर जी की चरण की सेवा करती हैं। सुदामा जी अभी सुनेंगे, सुदामा जी गए कहाँ, द्वारका। ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए और ठाकुर जी इच्छा करते क्या हुआ, पूरा के पूरा एक राज ऐश्वर्य सोने की भय इच्छा करते ही। ठाकुर जब जिस समय कंस, जिस समय जरासंध और जिस समय आक्रमण कर रहा था, उसी समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया तो राता रात समुद्र का बीच में द्वारका बन गया। सब सो रहे थे मथुरा में, देखा समुद्र के बीच में एक तो विशाल द्वारकापुरी बना हुआ। सबेरे जब उठे बिल्कुल द्वार कहाँ है, करते करते नाम हो गया द्वारका नाम हो गया। इसलिए कहते भगवान के सारे ऐश्वर्य का जो मालिक हो, सारे विद्या जिसके अंदर में सारे पराक्रम हो। सुना है ना कृष्ण पुतना को कितना दिन में मारे थे, याद है कुछ बताओ तो, कृष्ण पुतना को कितना दिन मारे थे, कितना दिन में बोलो जोर से, छह दिन में। कोई संभव है कोई इतना बड़ा राक्षस को छह दिन में मार दे, तीना भर तो कितना दिन में मारे, तीना भर तो एक महीना में मार डाले, तीना भर तो है सकटासुर को तीन महीना में मार डाले कृष्ण। ऐसे भगवान के अंदर भी ये पराक्रम है ठाकुर जी की। और गिरिराज उठाए ना ठाकुर जी ने, कल आज गिरिराज उठाया, कितना साल के थे गिरिराज उठाए, सात दिन के, सात क्रोश और सात दिन तक गिरिराज उठाया। कोई गिरिराज गए हो, कौन कौन गए हाथ उठा दो, गिरिराज गए। केवल जिसको परिक्रमा करने के लिए सात आठ घंटा लगता है इतने बड़े पर्वत को। अभी जिनको हम भगवान कहते हैं, एक दस क्विंटल पर्वत उसका सर पर लग दो, देखो सारे भगवान निकले जाएगा उसके साथ।
भगवान काली और नाग ऊपर नृत्य किया, इसको मुंह में थोड़ी सी जहर दे दो सर भगवान निकल जाएगा। तीन तीन बार उन्होंने अग्नि को पान किया, जिसको भगवान कहते मुंह में थोड़ा आग ला कर देगा। इसलिए भैया भगवान कोई नहीं है। देखो आप लोग हिंदू हो है, हम लोगों का मन बड़ा सरल है, हम जिसको तिसको भगवान बोलकर पीछे भागना शुरू कर देते हैं। कोई नौकरी दे दिया थोड़ी उसको चादर चुना दिखाते बोले भगवान को है। इसलिए भगवान भगवान कोई नहीं, भगवान हमारे कृष्ण है, भगवान हमारे राम है, भगवान हमारे नारायण है, यही हमारी भगवान। और कोई अभी जो नई नई भगवान निकल रहे ना है, जिनको पूजा होना शुरू हो गया, सब भगवान भगवान कुछ नहीं है। इसलिए कहते जिसको अंदर में छह ऐश्वर्य परिपूर्ण में हो वो भगवान। भगवान कोई बुरा नहीं होते, भगवान का दाही नहीं होता, भगवान की मौज नहीं होते। भगवान राम 11,000 साल तक रहे, कभी उनको दाही देखे हो, कभी उनके मोजे देखे हो। कृष्ण 125 साल तक रहे, कभी दाही मोजे देखे हो। टीवी में रामायण कोई देखे हो, कौन कौन देखे टीवी में रामायण। भगवान जब राम गए कैसे गए, पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए, सारे जो में नहा रहे हैं, चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो रहे हैं, और विमान सांकेत धाम से पूरा के पूरा अयोध्या को लेकर भगवान राम गए। कृष्ण भी संपूर्ण ब्रजवासियों को लेकर कृष्ण अपना नित्य धाम में गए। भगवान का नित्य धाम है, जैसे अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है, कि भगवान है ना। इसलिए कोई भगवान नहीं, नई नई भगवान को पीछे मत पड़ा करो, नहीं तो जीवन बर्बाद चल जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते जो रास रचे गया है वो कोई जीव नहीं रास रचाने वाले, ये भगवान रास करने वाले श्री भगवान ही। इतने में भगवान बंसी भट्ट को नीचे खड़े होकर के उन्होंने बड़ी सुंदर उन्होंने बंसी बजाई, लेकिन जगह कलम बाम दिशा मनोहरा, उन्होंने तो शब्द उन्होंने तीन शब्द उच्चारण की, लेकिन वो शब्द की आश्चर्य थी। राधा रानी सुन रही थी, बंसी से केवल राधे 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 नाम निकल रहे हैं। ललिता सुन रही थी बंसी से केवल ललित ललित ललित, विशाखा सुन रही थी केवल विशाखा विशाखा नाम आ रहा। सब गोपियां अपना अपना नाम को ही सुन रही थी। यहाँ उदाहरण देते हैं, कृष्ण जब बंसी ध्वनि की, लेकिन जो बंसी ध्वनि को उदाहरण दिया, सबसे बड़े चोर चक्रवर्ती कौन बोले, भगवान कृष्ण सबसे बड़े चोर है। किस चीज जो मन को चुराते हैं, दिल को चुराते हैं, पाप को चुराते हैं, दुख कष्ट को जो चुराने वाले कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण है। तब उन्होंने बंसी भट्ट को नीचे खड़े होकर के उन्होंने किया कि ये देखना, जो चोर का सरदार होता है ना, वो कभी चोरी करने नहीं जाता है, वो अपना पास अपना स्थान पर बैठता है। जितने चेले चपाटियों को भेज देते, बोले जाओ जाकर चोरी करके माल ले आओ, लेकिन माल किसको देना, सरदार को। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अपना बंसी ध्वनि रूपी उन्होंने अपना चोर को भेजे, बोले जाओ जहां से माल मिला लूट कर गए। लेकिन जब गए देखा भाग्य से सारे दरवाजा खुला हुआ है। भैया कौन सा दरवाजा खुला हुआ, बोले गोपियों की कान रूपी दरवाजा ये खुला हुआ। इतने में वो गए हृदय में, हृदय में प्रवेश करते हुए ये गोपियों की हृदय रूपी जो प्रेम उन्होंने चोरी करके लाए। अगर आपका घर में कोई चोर आए, जिंदगी में तुमने जो कुछ पैसा कमाया था वो सारे माल को लेकर के भागे, आप क्या करोगे बताओ, उसको पीछे पीछे दौड़ोगे ना। भैया जिंदगी का सारे माल को चोरी हो गई, उसको पीछे पीछे हाँ भागते रहे उसको पीछे पीछे। कहते उसी तरह जिस समय उन्होंने इनके हृदय को लेकर के भागे, इतने में तो जितने ब्रज की गोपियां थी सब के सब उसको पीछे भागे, भैया हमारे जीवन का सर्वस्व लूट गया है, सब के सब उनको पीछे पीछे भागते रहे। लेकिन कुछ गोपियां तो निकल करके चली गई, लेकिन कुछ जो गोपियां है ना निकल नहीं पाए, उनको उनको पतियों ने उनको रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो रात को बीच में, कहां जा रहे हो, खबरदार अगर घर से निकलोगे ना टांग तोड़ दोगे घर से निकलोगे तो, खबरदार घर से निकलना नहीं। हाँ देखो यहाँ पर निकली कौन और कौन नहीं निकल पाई, बोले वही गोपियां निकल पाई जिन जो पवित्र जिनके भाव पूर्ण हो गया था। लेकिन निकल नहीं पाए कौन गोपियां, बोले जिनकी शरीर पति को साथ में संबंध था, वो शरीर
क्योंकि दूसरे व्यक्ति शरीर को भोग किया है, भोग करने पर फिर भगवान भोग करने की भगवान उसको भोग नहीं कर सकते है, वो हो गई अपवित्र है, इसलिए उनको जोग माया ने जाने नहीं दी। जब जाने नहीं दी, लेकिन इन लोगों ने ठाकुर जी को प्रार्थना किया, हे श्याम सुंदर, आज आपकी दिव्य रास में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्होंने हृदय से भगवान को पुकारे ना, शरीर तो यही पड़ी रह गई, लेकिन जो आत्मा शरीर से इन लोगों ने भगवान को पास में चले गए। जब चले गए, इतने में ठाकुर जी बोले बोले स्वागत में महाभागा, भगवान उनको स्वागत करते हैं, बोले तुम लोग को मैं स्वागत करता हूँ, तुम लोग जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवान हो, क्यों संसार का सारे बंधन को तोड़ करके तुम लोग मेरे पास में आए हो। कृष्ण उनको साथ में थोड़ी सी ठिठोल की, तुम पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का ये धर्म नहीं, अपना पति भले लगड़े लुड़े निकम्मा क्यों नहीं हो, पत्नी के लिए पति ही परमात्मा है, इसलिए अच्छा किए हो, तुम लोग आए हो वृंदावन का सौंदर्य को दर्शन करो और वापस चले जाओ। और तुम लोग स्त्री हो, स्त्रियों को ये अंधकार रात में नहीं आनी चाहिए। देखो ठाकुर जी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, ठाकुर जी शिक्षा देते हैं कि जो माताओं को ना लड़कियों को घर से अकेले नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए शास्त्र में बताया जो स्त्री को एक लता स्वरूप बताया गया, जैसे कोई लता बगैर वृक्ष के रह नहीं सकती है, स्त्रियों के लिए बताया जो बच्चे हो उसी समय अपना पिता के अधीन में रहे, जब बड़े हो जाए अपना पति के अधीन में रहे, और जो बूढ़ी हो जाए बच्चों को अधीन में रहनी चाहिए, शास्त्र ये निर्देश देता है। इसलिए कृष्ण दूसरे तरह से भी निर्देश देते हैं, तुम स्त्री हो, स्त्रियों को अकेले रात में नहीं निकलनी चाहिए, ये स्त्री के लिए ये सही नहीं। एक उदाहरण देकर समझाए कि स्त्री जाति कैसे है, उदाहरण दिया जैसे आटा है, अगर आटा को मल करके छत को पर रखोगे ना कौवा खा जाएगा, अगर घर के अंदर में अगर रखो तो चूहे खा जाएगा, ये आटा को अगर मल कर रखो, ये स्त्री जाति ऐसे की जाती है। इसलिए हर समय शास्त्र निर्देश देता है स्त्रियों को स्वतंत्रता रूप में कभी नहीं होनी चाहिए, हर समय इनको अनुगत्य में रहनी चाहिए। इसलिए कृष्ण एक तरह से कहते हैं भैया तुम स्त्री जाति हो, तुम लोग ने इतने अंधकार में आए आना तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं, तुम लोग चले जाओ और अपना पति को सेवा करो। उन्हें जब उन्होंने बताए, इतने में कृष्ण उनको समझा रहे, कृष्ण क्या समझा रहे, अब मेरे तरफ में देखो भैया इनको इधर जला एक हाथ से लिया, देखो इधर कृष्ण है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अब लोग मेरे तरफ में देखो, कोई एक आ जाए तो सब उधर देखना शुरू कर दे, जैसे कभी जिंदगी में देखे नहीं किसको, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, देखो इधर, यहाँ पर कृष्ण गोपियों को समझा रहे हैं, बोले देखो जो स्त्री पतिव्रता धर्म को रक्षा करते ही उनकी पतिव्रता में कितने शक्ति है। कृष्ण एक स्टोरी सुनाए, बोले गोपियां की स्टोरी सुना, क्या सुना, बोले एक समय कोई एक पतिव्रता नारी की जंघे के ऊपर में पति सर रख करके सो रहा था, और घर में एक छोटा बच्चा था जो केवल अपना गुठन पर ही चलना सिखाए। थोड़ी देर पहले उस स्त्री ने चूल्हे में उन्होंने रसोई बनाई थी, पहले लकड़ी में बनती थी, कंडे से बनती थी, अभी चूल्हे की जो आग है वो धधक रही है आग, अभी अभी उसने रसोई बनाई, उसको घर में जो बच्चा था केवल वो गुठन पर ही चलना सीखा। इतने में बेटा का आग खुल गई, वो बच्चा गुठन पर चलते 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 जो आग जल रही थी चूल्हे में, इतने में उसने वो चूल्हे को पास में चला गया। अब इधर क्या हो रहा है, पति पत्नी की जंघे के ऊपर सर रखकर सो रहा था, पत्नी तो दुविधा में पड़ी, बोले मुझे क्या करनी चाहिए, अगर ये बच्चे को रक्षा करने जाता हूँ, बच्चा अभी चूल्हे में गिरने वाले, अगर बच्चे को रक्षा करने के लिए जाता हूँ, पति सो रहे हैं जंघे को पर सर न करके, फिर पति का नींद खुल जाएगी, फिर मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा।
है, पति प्रथा धर्म नष्ट हो जाएगी। इसलिए अभी मुझे क्या करनी चाहिए, अभी सोच रही है भले ही ये बच्चा गिर जाए आग में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, मैं पति प्रथा स्त्री हूँ, पहला धर्म अपना पति प्रथा धर्म में रक्षा करनी चाहिए। और देखते देखते सचमुच से वो जो बच्चा है ना चूल्हे में गिर गया, अभी उसकी धड़कन तेज होगी, थोड़ी देर बाद में पति की आंख खुली, बोले लाला कहाँ है, बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा, बोले तुमने रखा नहीं की, बोले आप मेरे जन्मे को मेरे सर रखकर सो रहे थे, फिर आपका नींद खराब होती आपको जगा देती, मेरी पति प्रथा धर्म नष्ट हो जाता, बोले चलो चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। और जा करके देखा इसी की पति प्रथा धर्म में इतने शक्ति थी, इसकी शक्ति को सामने जो अग्नि का जो तेज है ना शांत हो गई, वो बच्चा किलकार मारते हुए चूल्हे के अंदर में खेल रहा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और उन्हें बच्चे को उठा करके ले आए, कृष्ण ने कहा देखा तुमने पति प्रथा धर्म की कितने शक्ति तुमने देख लिया, इसलिए तुम लोग पति प्रथा स्त्री घर में वापस जाओ और अपना पति की सेवा करो। इतने में गोपियों ने कहा हम भी आपके स्टोरी सुना, बोले सुना क्या स्टोरी सुना, बोले एक समय दो पति पत्नी रह रहे, अभी पति को किसी विशेष काम के लिए कहीं उस दिन के लिए जाना पड़ा तो इतने में पत्नी ने बोली अगर आप चले जाओगे मैं श्रृंगार किसके लिए करती हूँ, तुम्हारे लिए तो श्रृंगार करती हूँ, ये बिस्तर किसके लिए सजाती हूँ, तेरे लिए तो सजाती हूँ, रसोई किसी के लिए बनाती हूँ, तुम्हारे लिए तो रसोई बनाती हूँ, पत्नी किसके लिए बनाती हूँ, पति के लिए तो बनाती है, सबको जो कुछ करती है पत्नी के लिए करती, अगर तुम चले जाओ तो मैं किसके लिए फिर करूंगी। बोले देखो कोई जरूरी काम फिर पर जाना है, बोले देख मैं अपना के फटो तेरे को देख रहे जा रहा, जब तक मैं नहीं आऊंगा ना तो ये फटो को बुझा करते रहेंगे। अभी पति गए बाहर किसी काम के लिए कुछ दिन के लिए, अब ये पत्नी फटो कहीं सुलाती है, फटो कहीं भोग लगाती है, फटो कहीं सेवा करती है। जब कुछ दिन बाद में वो पति आ गया, वो फटो की सेवा कर रही थी, दरवाजा खटखटाया, इतने में गोपियों ने कहा कृष्ण बताओ उसकी जो पति आ गया फिर उसको क्या करनी चाहिए। बोले भैया जब असली पति आ गया ये फटो को बुझा कर, तुम्हारी प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले क्या है, बोले गीता में तुमने क्या बताया बताओ, तुम गीता में स्वयं कहते हो पिता अहम अस्य जगत धाता माता पिता, तुमने गीता में बताई ये जगत का पति पिता माता भाई बंधु मैं हूँ, हम कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु स सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविण तुमेव तुमेव सर्वं मम देव। गीता में तुमने बात बताया ना जगत का मालिक तू हो, और गीता के लास्ट में तुम क्या कहते हो, बोले सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम समस्त धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। बोले कन्हैया तुमने हमारे हमारी मन प्राण चित्त को तुमने चोरी की, वंश ध्वनि सुना करके तुमने आकर्षण हम लोग की, जब हम आ गए बोले घर में लौट जाओ वापस चले जाओ। गोपियों ने ऐसे उन्होंने जवाब दिया ना कृष्ण को चुप कर दिया, कृष्ण चुप हो गए, जब चुप हो गए कृष्ण प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के भगवान गोपियों को साथ में ठाकुर के रास किए, एक गोपी एक कृष्णा, एक गोपी एक कृष्णा, ठाकुर जब रास कर रहे थे जो एक आंख में काजल पहन करके आए थे कृष्णा, दूसरे आंख में काजल पहना दी, गले की जो हार कमर में कमर का करधनी गले में पहने थी कृष्ण उनको सही सही श्रृंगार कर दी, जो आधा कपड़ा पहन करके आई थी ठाकुर जी उनको पूरे कपड़ा पहना दिए। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं अगर हमें सचमुच से कोई श्रृंगार करा सकते हैं कौन कर सकते हैं, ठाकुर ही कर सकते हैं हमारे श्रृंगार। भगवान खूब प्रेम लिए, कभी कभी कृष्ण बोलती थी बोलते थे गोपियां क्या थक गई हो थोड़ा प्यार दबा दूं, जब पसीना आए ना कृष्ण अपना दोपटा से गोपियों की पसीना पोंछ रहे। देखो स्त्रियों के अंदर में दुर्गुण है, जानते हो क्या तुम लोग दुर्गुण, अगर पति अगर पति पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करे ना फिर वो सर पर चढ़ बैठती है, हमारे बगैर इनका चले हैं। अभी गोपियों का अंदर में सौभाग्य मत प्रकट हो गया, क्या अरे कृष्ण हमें इतने प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण
एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण थी, लेकिन गोपियां क्या देख रही थी, कृष्ण केवल हमारे पास। अभी गोपियों के अंदर में सौभाग्यवाद प्रकट हुआ। सौभाग्यवाद मतलब है हमारे सिवाय जगत में और कोई है नहीं, जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवती हमें। अभी राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, स्वतंत्र नायिका भावना में हम स्वयं पूर्ण है, राधा रानी की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण ने देखा गड़बड़ी हो गई, क्यों, राशेश्वरी श्रीमती राधा रानी, राधा रानी के बगैर रास असंभव है। लेकिन इन लोगों ने राधा रानी जो मेन व्यक्ति उसको निगल करना शुरू कर दिया, और क्या है, राधा रानी के अंदर में मान हो गया। क्यों, राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे पास में भी है और कृष्ण हर गोपियों के पास में एक एक रूप में, लेकिन ये चीज और कोई नहीं देख रही थी। इतने में राधा रानी सोची क्या सबके बराबर मैं, क्या सबके बराबर हो गई, राधा रानी के अंदर मान आ गई। इतने में राधा रानी रास छोड़ करके राधा रानी चली गई। जब राधा रानी चली गई, कृष्ण ने देखा जब राधा रानी चली गई फिर रास को किसको लेकर गई। इतने में श्याम सुंदर भी समस्त ब्रज गोपियों को परित्याग करते हुए राधा रानी को थोड़ी दूर गए, जाकर के कृष्ण के कुंज में अपना रूप बदला दिया, एक श्यामा सखी रूप धारण कर लिया। बोले देखो एक काम करो, कृष्ण को ढूंढने के लिए जोड़े जोड़े होकर चलो, दो दो होकर के। इतने में कृष्ण एक श्यामा सखी रूप धारण, इतने में उन्हें राधा रानी को लेकर के एक कुंज में ले गई, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला बना करके राधा रानी को श्रृंगार की, इसलिए उस स्थान का नाम है श्रृंगार गढ़। अगर कभी वृंदावन में जाओगे वहां पर देखोगे श्रृंगार गढ़ एक स्थान है, वहीं पर श्याम सुंदर राधा रानी की श्रृंगार वहीं पर की। लेकिन जब श्रृंगार की वहां पर राधा रानी के अंदर में ये भावना आई, बोले क्या भावना आई राधा रानी के अंदर में, जब मैं जो काम की अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये गोपियां तो और कोई नहीं, मेरे प्रेम मेरा भाव ही ये एक एक गोपियों का रूप को ये धारण करके रखे हैं, और मैं जैसे सब कुछ छोड़ करके कृष्ण चरण में आई, ये भी तो इसे छोड़ करके आई, केवल मैं कृष्ण को अकेला लेकर के यहाँ आनंद ले रही हूँ। अब ये बच्चे जिनका है ना, आप लोग पीछे चले जाओ, माताएं आप पीछे चले जाओ, ये बच्चे को लेकर के वहीं पर, और जो एक माता जी तुम्हारी साथ में बैठी तुम भी पीछे चले जाओ, बच्चों को लेकर पीछे बैठ कर कथा सुनो। इसलिए इन्होंने अभी राधा रानी सोची मैं जो काम कर रही हूँ ना वो अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि मैं भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जैसे आई गोपियां तो वैसे आई ना, और ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं, केवल कृष्ण को मैं यहाँ पर अकेले लेकर के ये आनंद को अनुभूति कर रहा हूँ और गोपियां मेरे कृष्ण विरह में रो रही हैं। अभी राधा रानी सोच रही है मैं थोड़ी सी अगर मान कर लू, कृष्ण अगर थोड़ी सी मेरे को मनाते रहे, फिर गोपियां आ जाएगी, फिर हम एक साथ में मिलकर के रास करेगी। इधर क्या हुआ, गोपियों ने कृष्ण को ढूंढ रही है, कभी लताओं को, कभी हिरण को, कभी पृथ्वी को, इतने में कभी तुलसी को, कभी वृक्षों को, सबको पूछ रही थी हमारे श्याम सुंदर कहीं क्या देखे हो, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे। हठात उन्होंने पृथ्वी को पर नजर पड़ी, बोले पृथ्वी तू तो सर्वत्र विद्यमान हो, तेरे को तो पता होगा ना श्याम सुंदर कहाँ पर गए। लेकिन हठात जब पृथ्वी को पर नजर पड़ा, वहां पर कृष्ण का दो चरण को देखा। लेकिन सबके सब गोपियां कृष्ण की चरण सेवा करती हैं, इसलिए कृष्ण का चरण में क्या चिन्ह है इनको पता है, तो देख कर तो पहचान गए, ये तो कृष्ण का चरण चिन्ह है। लेकिन जब वो थोड़ी दूर गए, देखा ये दोनों चरणों के बीच में एक बड़ी सुंदर प्यारी, बड़ी सुंदर एक किसी ईश्वरी की चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह देख करके सुखदेव गोस्वामी तो समझ गए कि राधा जी की चरण चिन्ह है। देखो वहां पर जो गोपियां थी ना, तीन तरह की गोपियां थी, एक है सुपथ्य, एक विपथ्य, एक तटस्थ, और एक भी सुविपथ्य है। कुछ गोपियां थी जो केवल कृष्ण को ही प्रेम करने वाले, कुछ गोपियां थी राधा कृष्ण दोनों को प्रेम करने वाले, कुछ गोपियां थी जो केवल राधा जी को ही प्रेम करने वाले। अभी जो राधा जी की चरण प्रेम करने वाली गोपियां राधा जी की चरण सेवा करती हैं, ये जो सुखदेव गोस्वामी ये राधा पक्ष है, ये राधा जी की चरण की सेवा करने वाली।
अभी राधा जन के चरण में क्या क्या चिन्ह है उनको सब पता है। देखो हम लोग कहते हैं ना जीवन में कोई विपत्ति आ जाए हम क्या कहते हैं भैया ठाकुर जी की चरण के चिंतन पर सब दूर दूर हो जाए बोलते हैं ना। देखो ध्यान देकर सुनो किस लिए क्यों कहते कृष्ण के चरण में ये गदा है अगर ये गदा को कोई स्मरण करके गदा से क्या कहते पीटते हैं जीवन में शत्रु हो अगर ये गदा को स्मरण करो तो सारे शत्रु विनाश हो जाए। उनके चरण में कमल है अगर ये कमल को कोई स्मरण करेगा तो जैसे कमल फूल से खुशबू आती है तुम्हारे जीवन में भी बड़ी खुशबू आएगा। भगवान के चरण में कहते हैं उसमें अंकुश जैसे हाथी को कितने बड़े हाथी होता है लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करते अंकुश से। हमारे मन भी बड़ा चंचल है हैं कहते मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं लेकिन वो अंकुश को कोई चिंतन करेगा तो क्या होगा ये जो मतवाला रूपी जो मन की चंचलता ये तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। भगवान के चरण में स्वस्ति की चिन्ह है अगर उसको कोई स्मरण करेगा तो तुम्हारे जीवन में कभी अमंगल नहीं आ सकती है। भगवान के चरण में कहते वहां पर पता का झंडा चिन्ह है अगर उसको कोई स्मरण करेगा तो सर्वत्र तुम्हारी विजय प्राप्त होगा तुम कहीं पराजय कभी तुम्हारी होगी नहीं। इसलिए भगवान के चरण में एक जौ है धान है अगर उसको कोई स्मरण करोगे ना घर में कभी लक्ष्मी की पैसा की कभी घर में तुम्हारी कमी नहीं होगी। इसलिए भगवान के चरण में उन्हें से चिन्ह है ये उन्हें से चिन्ह का अलग अलग इसकी महिमा है। इसलिए अगर मैंने सब कारण बताया इसलिए भगवान का सुंदर सुंदर चरण चिन्ह होता है। कभी कभी कोशिश करना इंटरनेट ढूंढने के लिए उसमें चरण चिन्हों को निकाल कर घर में लगा देना तुम्हारी कोई भी दिक्कत होगी आप बैठ करके ठाकुर के चरणों के सामने जिस चीज को तुम स्मरण करोगे वही चीज तुमको प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं भगवान की चरण की चिंतन करो तुम्हारे जीवन का सब दुख दूर हो जाएगी। बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। इसलिए अभी राधा रानी के चरण चिन्ह देख करके सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए बोले अनाराधित नूनम भगवान हरिश्वर जन्न विहाय गोविंद। इसलिए सुखदेव गोस्वामी मामी यहाँ पर डिक्लार करते हैं क्या डिक्लार करते हैं जब यहाँ पर हर तरह का गोपियां थी लेकिन ये रहते हुए कृष्ण अकेले किसको लेकर गए जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे थे उसको लेकर गए ना। बोले किसको लेकर गए बोले सबसे जो श्रेष्ठ रूप में कृष्ण की सेवा की बोले वो कौन है बोले श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की बोले श्री विश्वराज नंदिनी की। इसलिए उन्होंने लेकिन और जो थोड़ी दूर गए ना देखा बीज का चरण चिन्ह है नहीं बोले भैया बीज का चरण चिन्ह कहाँ चला गया। दूसरे गोपी कहती है ये तो हृदय को और भी पीड़ा देने वाले बोले क्यों बोले देखो कृष्ण का जो चरण है ना थोड़ा ज्यादा दबा हुआ बोले क्यों बोले कारण है वो श्याम सुंदर ने वो गोपी को अपना गोद में उठा करके लेकर गए लेकिन ऐसे जो बात करते करते जा रहे थे इतने में कृष्ण राधा रानी को श्रृंगार बैट में बैठा करके उनको अपना हाथों से श्रृंगार कर रही थी। इतने में राधा रानी बोली श्याम सुंदर चलो जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाए बोले क्यों कृष्ण बोले राधे जल्दी जल्दी चलो बोले क्यों बोले तुम अकेले को अगर गोपियों ने देखेगा ना मैं सबको छोड़कर तेरे को लेकर के आई फिर दूसरे भी मान करके बैठ गए। इसको बाद में जो महारास है फिर ये महारास नहीं होगी राधा रानी इतने में जान बुझ करके राधा रानी थोड़ी मानी भी हो गई बोले भैया मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ जैसे रासों से मेरे को उठा करके ले आए थे ऐसे ही यहाँ से आपको उठा करके ले जाओ। इतने में कृष्ण बोले क्या मेरे कंधे पर बैठ कर जाओ बैठा लो। जब बैठने के लिए गई ना वहीं पर कृष्ण भी राधा रानी को त्याग दे और वहीं पर श्री राधा रानी हाँ कृष्ण करते करते वहीं पर राधा रानी बेहोश हो जाती है और गोपियां आकर के राधा रानी की जो बेहोश होते हुए देखते हैं उनको होश दिलाते हैं बोले हे राधे तेरे को भी छोड़ करके चले गए
बोला हाँ मेरे को भी छोड़ करके चले गए। बोले उनकी कोई दोस्त नहीं, दोस्त मेरी दोस्त है। बोले देखो कृष्ण को उनको भजन बहुत प्यारा है, चलो हम सबके सब जमुना किनारे में बैठ करके उनकी कीर्तन करेंगे। क्यों? कृष्ण खुद कहते हैं मद भक्ता जत्र गायति तत्र प्रतिष्ठा मिनारा। इसलिए उपनिषद क्या कहते हैं? बोले न अयम आत्मा प्रवचनेन लब्ध, जो आत्म तत्व प्रवचन को द्वारा प्राप्त नहीं होता, न बहुना श्रुते न बहुत सुनने पर नहीं होता है, बहुत ज्ञान से नहीं होता है, कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं? बोले जब मैं वैसे प्रणुते तेन लब्ध, जब वो कृपा करके इसको जानाते हैं, सही जाने जा रहे देहु जाना है, लेकिन वो कैसे जानाएंगे? जब हम जीवन में कीर्तन करेंगे, केवल कीर्तन के द्वारा ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। चलो बैठ करके हम कीर्तन करेंगे। बोले अभी उन्होंने यमुना किनारा में क्यों बैठ कर कीर्तन किया? कारण क्या है? बोले ये यमुना है ना, ये कृष्ण की पटरानी है, ये विशाखा सखी है, इसलिए जब तक ये यमुना की कृपा नहीं होगा ना, तब तक भैया हमें कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी सुन लो। बोले एक समय राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे। एक दिन श्री राधा रानी कृष्ण को बोले, बोले श्याम सुंदर, हर समय मैं मान करती हूँ, आप मेरे को मना कर, एक बार आप मान कर मैं आपको मनाऊ। बोले पुरुष लोग थोड़ी मान करते, मान तो स्त्रियां करती हैं और पति मना, बोला एक बार आप मान करके करो ना, मैं कोशिश करता आपको मनाने के लिए। बोले ठीक है मैं मान करता हूँ, तुम मनाना। इतने में कृष्ण मुंह मोड़ कर बैठ गए, मान करके बैठ गए। अभी राधा रानी कोशिश कर रहे हैं मनाने के लिए, मां उतर नहीं रहे। देखो अगर कोई सचमुच से सोया हुआ होगा आप उसको जगा सकते हो, लेकिन जो जान बुझ कर सोया होगा उसको आप जगा सकते हो? वो जगा ही नहीं सकते। यहाँ तो मान का कोई काम है ही नहीं, और बिना कारण तो कृष्ण मान किए। अभी राधा रानी मना तो मना, थक गई। बोले भैया मैं क्यों बोला श्याम सुंदर को मान करने के लिए, इनका मान ही नहीं तो टूट रहा है। इतने में सबको पास में गई, इतने में ये यमुना को पास में गई। बोले मैं तो चुटकी बजाते उनको मान लो, मना तो नहीं। बोले तुम मना तो? बोले हाँ। बोले देखा? बोले दिखा था। जो यमुना है ना, ये देखने में कृष्ण जैसे रंग काले थी, वो भी कृष्ण के रंग जैसे है। इतने में यमुना नदी ने बड़ी सुंदर कृष्ण वर मुकुट लगा करके, बड़े सुंदर पीतांबर पहन करके, बड़े सुंदर चोटी बनाई, बंसुरी लेकर के, इतने सुंदर उसने रूप धारण किया। आप देखना जब कोई एक लड़की को लड़का बनाया जाए ना, देखना वो लड़के से भी ज्यादा सुंदर लड़की लगती है। किसी लड़की को अगर लड़का बनाओ, जमुना रानी देखने में बड़ी सुंदरी, श्री कृष्ण जैसे रंग, जब उन्होंने मयूर मुकुट बड़े सुंदर चोटी पीतांबर पहना करके उनको जब श्रृंगार की ना, कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। लग रहे थे यही असली सुंदर कृष्ण, नकली कृष्ण है, ये असली कृष्ण है। इतने में जमुना पटरानी जब निकली, सब गोपियां वहां पर बैठे हुई थी राधा रानी, इतने में जब यमुना पटरानी कृष्ण बनकर के आए, कृष्ण जब देखे बोले ये कौन, ये तो मेरे जैसे लग रहा है, क्या हम लोगों ने जमज संतान जन्म लिए थे दोनों एक साथ में, मैया हमसे छुपाई, ये तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर यही लग रहा है, असली कृष्ण ही लग रहे। जब वो यमुना पटरानी कृष्ण रूप धारण कर गोपियों के बीच में आई ना, और कृष्ण फीके पड़े गए, और गोपियों को लगा यही असली कृष्ण ही नकली कृष्ण, और असली कृष्ण को छोड़कर नकली कृष्ण को मुझे भागे। सब कृष्ण तो अकेले हो गए। बोले ये क्या हुआ? कृष्ण समझ गए दाल में कुछ काला है। कृष्ण गए यमुना को बोली, बोले तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण हूँ। बोले तू कृष्ण? बोले हाँ। बोले भैया मैं भी कृष्ण, तू भी कृष्ण। अभी दोनों जब कृष्ण फिर हम दोनों मिलते हैं, फिर दोनों दोनों को जब उन्होंने मिले आलिंगन किया, फिर कृष्ण को क्या पता चला? ये यमुना पटरानी। फिर तो कृष्ण का मान उतर गया। इसलिए यमुना ने किया कि राधा कृष्ण दोनों को जुगल उन्होंने मिलन कराए। इसलिए यमुना की कृपा जब हुई ना, कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए उनको किनारा में बैठी करके उन्होंने जो गीत गाए, उसका नाम है गोपी गीत। देखो अगर कोई चाहते है हमारे घर में भगवान प्रकट हो, अगर घर में आप गोपी गीत गाओगे ना, ठाकुर कहीं नहीं रह सकते, ठाकुर जी को वहां प्रकट होना ही पड़ेगा। और जहां पर ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी। इसलिए ये गोपी गीत में इतने शक्ति, जिस वजह से भगवान को भी ये आकर्षण करता है। प्रभु जी गोपी गीत दो चार श्लोक
जो 40 श्लोक आप लोग सुन लो गोपी गीत की जो 40 श्लोक चरण पकड़ लिए किसी ने उनको गलबहनिया देकर खड़ी हुई कोई तांबुल मांग रही थी कोई चरण पकड़ी हुई थी लेकिन कुछ गोपियां थी जो पास में भटक नहीं रही थी वो दूर में खड़ी होकर के देख रही थी। एक गोपियां थी बड़े तेरी भ्रुकुटी नजर से एका भ्रुकुटी माँ बाप द प्रेम संग्रह
कृष्ण के चरण में एक भ्रुकुटी नजर करते हुए टेढ़ी मुंह से कृष्ण को देख रही थी। लेकिन यहाँ पर भागवत पढ़ तो इनका नाम कहीं नहीं आती कौन कौन, लेकिन हमारे सनातन गोस्वामी इनका नाम बता देते हैं। बोले जो उनके चरण बाहों पकड़ी हुई थी कभी ये चंद्रावली की तरह, लेकिन जो गोपियां दूर से देख रही थी ललिता विशाखाए, लेकिन एक गोपी जो दूर से देख रही थी श्रीमती राधा रानी, लेकिन कृष्ण का नजर और कहीं नहीं, कृष्ण केवल श्री राधा जी की तरफ पे देख रहे थे। बोले राधा रानी की यहाँ महिमा को प्रकाश कर रहे थे। इतने में गोपियां ने अपना चुंदरी को उतार करके आसन बनाई, ठाकुर जी को बैठाए और गोपियों ने कृष्ण को प्रश्न करते हैं। बोले कृष्ण हमारी प्रश्न का उत्तर दो। बोले बताओ। बोले जगत में चार तरह के व्यक्ति होते हैं। बोले कौन कौन होते हैं? बोले जो भजन करने पर जो भजन करते हैं, दूसरे तरह का जो भजन करे नहीं कर तभी नहीं करते हैं, तीसरे तरह का होते हैं करे नहीं करे तभी करते हैं, तुम बताओ तो तीनों में तुम कौन हो? कृष्ण ने बोले देखो जो भजन करने पर जो भजन करते हो बढ़िया, जैसे सामान लेने जाओ 100 रुपया दो 100 रुपया का सामान मिल गया, वहां पर कोई प्रेम नहीं है क्योंकि पैसा फेंको और तमाशा देखो वहां बढ़िया है। दूसरे तरह का करो नहीं करो तब भी करते हैं। बोले ये पिता माता है, आप देखना बच्चा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए, लेकिन पिता माता क्या सोचते हैं, बेटा मेरा ही है, बेटा मेरा क्यों जन्म दिया है ना उसको बड़ा किया। पिता माता को पता है कितने कष्ट करके हमने बच्चे को जन्म देकर बड़ा किया, जितना भले ही बेटा नालायक हो जाए पिता माता की जो स्नेह है ये बच्चे का प्रति स्वभाव नहीं, मेरा बेटा है। इसलिए यहाँ सिखा देते भैया पिता माता को कभी नहीं भूलनी चाहिए, हर समय पिता माता की सेवा करनी चाहिए। ऐसे नहीं पिता माता जन्म दिया बड़ा किया लिखाया पढ़ाया घर में जो बहू आ जाए बस पिता माता की भूल जाए, एक मंत्र रात को तो दूसरे दिन बेटा का बुद्धि बदल गया, कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए, हर समय पिता माता को हमें सेवा करनी चाहिए। देखो एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, याद रखना। अभी घर में किसी बेटा का शादी हुई, घर में बहू आई, जो बहू आई अभी सास ससुर तो बन नहीं रही, बन नहीं रहा, तो एक दिन उसकी जो पत्नी बोली देखो अगर तुम पिता माता के पास में रहोगे ना फिर तो हम तुम्हारे पास में रहने वाले थे, मैं अपना पीहर जा रही, अपना पीहर जा रही हूँ, अपना पीहर चली, बोले तभी आऊंगी जब तुम पिता माता को छोड़ कर मेरे अकेले रहोगे। अभी पीहर चली गई, एक दिन बेटा बेचारा परेशानी हो गया, एक दिन माँ को बोलता है बोले भैया तुमने मेरे को जन्म दिया लिखा पढ़ा सिखाया तुमने बड़ा किया है। बोले हाँ। बोले देखो जन्म से लेकर के अभी तक तुमको मेरी लिखा पढ़ाई लालन पालन में जितने पैसा लगाए ना तू बोल दे सारे पैसा मैं तेरे को दे देता हूँ और मैं अपना पत्नी को लेकर के अंदर रहूंगा। जब बोले माँ ने बोले देखो मैं अनपढ़ हूँ मेरे को कुछ दिन लगेगा कितना पैसा लगा है हिसाब करने के लिए कम से कम 1 महीना लग गया। बोले 1 महीना नहीं 2 महीना तुमको दे रहा कोई चिंता मत कर। जब बोले ठंडी का समय था अभी बेटा सो रहा था, इतने में मैया ने क्या कि लोटे में पानी ना और पानी लेकर के ना घर में एक तरफ से बेटे के ऊपर डाल दिया। जब डाल दिया ठंडी का समय रजाई ओढ़ कर सो रहा था, जब बेटे के ऊपर डाल दिया ना इतने में गहरा नींद में था उसने करवट लेकर सो गया। जब सो गया थोड़ी देर बाद में उसने किया कि फिर और एक लोटे का पानी लेकर दूसरे तरफ को डाल दिया, जब डाल दिए फिर करवट लेकर सोया, जब तीसरा बार डाला ना उसको नींद खुल गई। देखा भैया बोले क्या कर रहे हो मैं सो रहा हूँ मेरे को परेशानी क्यों कर रहे हो? इतने में मैया ने कहा तुमने बेटा बताया था ना तुमको जन्म से लेकर अभी तक लालन पालन करने में कितने पैसा लगा हिसाब करने के लिए, मैं केवल 1 दिन का हिसाब दे रहा था, जब तुमने बच्चा होकर के जन्म लिया माताएं बच्चे पालन करती होगी, बच्चा क्या करता है रात को टाटी पे सब कर देता है, मैया क्या करती है मैया गिली में सो जा सो करके बच्चे को सूखा में सुला देती है। ऐसे एक रात नहीं जिन लोगों ने बच्चे को लालन पालन किया आपको पता होगा कितने कष्ट से बच्चा कभी रात को रोता है सोने नहीं देता मैया को नींद नहीं आती मुंह की खाना निकाल करके उसने बच्चे को भोजन कराती है। फिर बच्चों को 9 महीना तक माताएं गर्भ में धारण करती हैं।
आपको पता होगा एक बच्चे को लालन पालन करने में कितने कठिन है, आपको पता होगा। इतने में मैया ने बोले, मैंने तुमने बताया था ना जन्म से लेकर अभी तक तुमने क्या मेरे लिए किया, हिसाब दो, मैं केवल एक रात का हिसाब दे रहा था। इतने में बच्चा का बुद्धि ठिकाना है, फिर मैया के चरण में गिर पड़ा, बोले मैया मैं कभी भी तुम्हारी ऋणी को मैं कभी उतार नहीं सकती हूँ। इसलिए हम कभी भी पिता माता का जो ऋणी है ना, ऋणी से कभी हम ऋणी कभी भी नहीं बन सकते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो भजन करने करे और नहीं करे तब भी भजन करता है, कहते ये कौन होते हैं, कहते ये पिता माता होते हैं। इसलिए नियम क्या है, इसलिए भगवान राम क्या करते थे, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की ठाकुर जी चरण छूते थे। हम लोग कौन चरण छूते हो पिता माता के, बोलो कौन कौन चरण छूते, कोई नहीं छूते। सास ससुर की कौन चरण छूते हो, अभी तो पिता माता है भी सास ससुर, इसलिए चरण छूनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए पिता माता की सबको यथा योग्य कोशिश करनी चाहिए, उनकी आदर देने के लिए उनकी हमें कोशिश की। भगवान खुद कह रहे ये ठाकुर ये बात को खुद कहते हैं, बोले करे नहीं करे तभी कोई मतलब नहीं। वो चार तरह के होते हैं, गुरु द्रोही, अकृतज्ञ, आत्मा राम और आपका काम। गोपियों ने कहा कन्हैया तू तो कभी आत्मा राम आपका काम है नहीं, क्योंकि हमारी बगैर तेरा कोई चलता नहीं, लगता है तुम गुरु द्रोही हो, क्योंकि तुम्हारी जो गुरु है ना ये ब्रज गोपियां राधा राय है, प्रेम की तुम्हारी गुरु, लेकिन तुमने क्या कि हमको कहां रात को बीच में छोड़ करके अंधकार रात में बंसी भरी करके बुलाए और हमको बीच में छोड़ करके चले गए। इतने में कृष्ण कहते हैं गोपियां मेरे को ऐसे मत समझा करो, मैं ऐसे नहीं हूं। तब उन्होंने बताया प्रेम की दो पहलू है, कहते एक मिलन है और एक विरह है, हैं कहते लेकिन मिलन से क्या होता है, केवल सामने सामने हम मिलते हैं लेकिन अंदर से खो जाते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है, संपूर्ण रूप में उनमें हमारी तन्मयता को प्राप्त हो जाती है, उसमें हम डूब जाते हैं। इसलिए हे गोपियां मैं तुम लोगों को कभी छोड़ा ही नहीं, तुम्हारी हृदय में जो प्रेम को मैं सुनना चाह रहा था इसलिए मैं बीच में ना छुप करके तुम्हारे बीच में बैठा हुआ था, मैं कहीं गया नहीं, मैं बीच से प्रकट हुआ है ना, बोले मैं तुमको कभी छोड़ा नहीं। फिर भगवान कृष्ण ने महाराज की, जिस समय महाराज कर रहे थे सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आ गए, आकर में वाद्य बजा रहे थे और भगवान ब्रज गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे, हैं ठाकुर जी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी। इसलिए बीच बीच में कृष्ण दोनों तरफ में ब्रज गोपियां और सब गोपियां देख रहे थे कृष्ण मेरे साथ में। कहीं कहीं ऐसे आती है एक कृष्ण एक गोप, लेकिन कभी कभी आता है अलात चक्रवर्त। अलात चक्रवर्त मतलब होता है जैसे आग एक टुकड़ा लो लेकिन ऐसे ऐसे जोर से घुमा, आप जोर से घुमाओ ना आग तक एक है लेकिन दिखिया जैसे गोल आकार। कृष्ण तो एक ही थे लेकिन हर गोपियां देख रहे थे कृष्ण हमारे पास में, कृष्ण हमारी सब गोपियां देख रहे थे कृष्ण हमारे पास में कृष्ण है। ऐसे ही कृष्ण ऐसे नृत्य कर रहे थे जहां पर संत जब भगवान ने बंसी ये बंसी कैलाश में भी गया, शंकर भी गोपी बन करके शंकर भी कोशिश किया रास दर्शन करने के लिए। शंकर जब आए लेकिन जोग माया के बगैर कोई अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जोग माया की शरण ली, जोग माया बोले ये ब्रह्म कुंड में स्नान करो। स्नान करते ही शंकर जी एक सुंदर गोपी रूप धारण की, उनको ईशान कोण में बैठा दिए, बोले यहीं से दर्शन करो। कृष्ण तो सब जानते हैं, बोले आज रास में कहीं आनंद नहीं आ रहा है, लगता है यहाँ कोई अनधिकारी व्यक्ति घुसे। गोपियों ने ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते देखे एक कुंज में कोई नई गोपी बैठी हुई, कभी उनको देखा ही नहीं। पूछे भैया तेरा कौन गांव से जन्म हुआ, तेरे खसम का नाम क्या है, तेरे जेठ ननंद का नाम क्या है, लेकिन वो तो गोपी नहीं, वो गोप शंकर जी गोपी बने, अभी कोई उत्तर नहीं दे सके। समझ गए भैया यही बदमाश दुष्ट ये यही पर छुप करके देख रहा है। एक गोपियों ने चोटी पकड़ करके निकाले, गुलचा मारने जा रहे थे, इतने में शंकर जी फुकारे, बोले प्रभु पौर्णमासी को फुकारे मेरे को रक्षा करो। इतने में पौर्णमासी आ गई,
इतने में कृष्ण आ गए, बोले भोले ये क्या है? बोले प्रभु आप बंसी ध्वनि की, ये बंसी ध्वनि कैलाश में भी गया, मेरे मन में भी इच्छा हुई तुम्हारी रास को दर्शन करने के लिए। देखो ये चीज को समझो, शंकर जैसे व्यक्ति देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी जो सत्यम शिवम सुंदर रास की महानता को देखो, जहां पर शंकर जैसे व्यक्ति भी ये रास में प्रवेश करने का दूर की बात है, जो उनको दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। भगवान बोले आज से यहीं पर तुम गोपीश्वर सिंह रूप में यहाँ पर दरवान की काम करो, अभी वृंदावन जाओगे ना देखोगे शंकर जी दरवान बनकर बैठेंगे, हैं दरवान बनकर बैठेंगे शंकर जी वृंदावन में। इसलिए नियम है जब वृंदावन में जाओ, कृष्ण खुद बोले अगर कोई वृंदावन में आए अगर तुम्हारी दर्शन नहीं करेगा ना, उसको वृंदावन दर्शन करने का फल उसको नहीं मिलेगा। इसलिए नियम है वृंदावन में जब जाओ श्री गोपीश्वर महादेव को हमें दर्शन करनी चाहिए। बोले श्री गोपीश्वर महादेव की जय, जय श्री राम। रास का भजन गाना, एक भजन सुन लो। आज जो भगवान की गोपी बनना चाहते हैं ना, हम लोग नाच ही सकते हो। आज जो गोपियां वो तो जरूर नाचेंगे, जो गोपी नहीं वो नहीं नाचेंगे। बोलो राशि रचो है Yeah.
Thank you.
कन्हैया लाल की है। जय जय श्री राम। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाते वचः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीपादी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्मीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सर्व शिव सिंह भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्री राम महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत का सप्तम दिवस है। आज श्रीमद् भागवत को विश्राम हो जाएगा। हम लोग वृंदावन से यहाँ पर किस लिए आए इस बात को समझना चाहिए। शास्त्र में बताया है कि कलयुग में भागवत घर घर में होगी और हर कोई करने वाला भी हो जाएगा। आप लोग अगर वृंदावन में जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, जैसे बच्चों के ऐसे पढ़ाई होती है 10वीं की 12वीं की, ऐसे वहाँ पर भागवत के स्कूल खुल गए। वहाँ पर कोई भी अपने बच्चे को भेज सकता है, बच्चे को भागवत सिखा सकते हैं, उसके बाद में वो भागवत करना प्रारंभ कर देगा। वहाँ बड़ा अच्छा अच्छा सिखाया जाता है, श्लोक याद कराए जाते हैं, कैसे लोगों को आकर्षण करना। किंतु भागवत के महात्म्य ही बताया है कि जो कोई भी धन के लोभ से या अन्य किसी भी कामना वासना से जो भागवत को करेगा तो भागवत का सार नष्ट हो जाएगा। सार नष्ट हो जाएगा अर्थात भक्ति नहीं मिलेगी, बाकी सांसारिक चीजें मिल जाएंगी, वो तो अन्य अन्य उपायों से भी मिल जाती है। इसलिए हम लोग किस लिए आए यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए। हम लोग कोई भी पैसा कमाने के उद्देश्य से या अन्य किसी प्रयोजन से यहाँ पर नहीं आए, हम लोग यहाँ पर कुछ देने के लिए आए हैं। वो वस्तु क्या है? वो भक्ति है, क्योंकि भक्ति ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। इस जगत में बड़े से बड़े लोगों को भी, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी योगी, उनको भी भक्ति प्राप्त नहीं है। लोगों को भक्ति में और कर्म ज्ञान में अंतर पता नहीं है। वो लोग सोचते हैं जो जितना बड़ा चमत्कार दिखा देता है वो उतना बड़ा साधु है। लेकिन विचार करो, सभी लोगों ने अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि का उपाख्यान सुना। अम्बरीश महाराज ने कौन सा चमत्कार दिखाया? वो तो राजा थे, क्षत्रिय थे, केवल भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की सेवा करते थे, मंदिर मार्जन, भगवान के लिए हाथों से रसोई बनाना, उनको भोग लगाना, पाद सेवन परिक्रमा करना, भक्ति के नवदा भक्ति के अनुभव का पालन करते। दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि महातपस्वी, सारे तीनों लोग जानते हैं उनकी महिमा के बारे में, उनकी कितनी सिद्धियां हैं। एक जटा तोड़ दी तो बस उससे कृत्या प्रकट होगी। अम्बरीश महाराज ने कोई चमत्कार दिखाया? कुछ नहीं दिखाया, वो केवल भक्ति करते। और उस भक्ति का फल क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि जो भी बड़े बड़े वरदान देने में समर्थ हैं, बड़ी बड़ी कठोर तपस्या करते, शिव जी के ही अवतार है, ऐसे दुर्वासा ऋषि को अपनी जान बचाने के लिए कहां कहां भागना पड़ा, किंतु जान बची नहीं। वैकुंठ में नारायण की शरण में भी चले गए, किंतु वहां भी नारायण ने मना कर दिया। कहते हैं जहां पर अपराध किया है कांटा लगा जिस पैर में उसी से निकालना पड़ेगा। कांटा लगा पैर में निकालोगे सिर से तो होगा? नहीं होगा। अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया है, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मद अन्यते न जानन्ति नाम तेभ्यो मना। वो अम्बरीश महाराज साधु हैं, कह के सिर दुर्वासा थे, लोग सोचते हैं दुर्वासा साधु है, भगवान क्या करे अम्बरीश साधु है।
यही बात समझने वाली है। साधु कौन है? कपड़े से कोई साधु नहीं होता है। अम्बरीश महाराज को साधु बताया, वो राजा है, वो तो बड़े राजसिक वैभव के साथ में रहते हैं, लेकिन उनको साधु क्यों बताया? क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं। जो हृदय में भगवान को धारण करता है वो साधु है। ये साधु की क्राइटेरिया है, ये क्वालिफिकेशन है। ऊपर से वेश कैसा बना रखा है, कितना तुमने तपस्या कर लिया, कितना शक्ति अर्जित कर लिया, क्या चमत्कार दिखा रहे हो, इससे कोई भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। दुर्वासा ऋषि से ज्यादा चमत्कार दिखाने वाला कौन है जगत? सभी तीनों लोग उनके भय से कांपते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज को देखो, वो चुपचाप खड़े रहे, भगवान का भजन करते रहे, और अंत में दुर्वासा ने आकर के साष्टांग अम्बरीश महाराज को प्रणाम, एक साल तक चक्र ने उनको दौड़ाया अपनी जान बचाने के लिए, अंत में उनके चरणों में गिर पड़े। दूसरा उदाहरण देता हूँ, हिरण्यकश्यप ने बड़ी बड़ी तपस्याएं करी थी, न भूतो न भविष्य थी, ऐसी तपस्या के बारे में हम सोच भी नहीं सकते जैसी उसने की थी। एक पैर के एक अंगूठे के ऊपर खड़ा हुआ, हम तो एक पैर पर भी ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, एक पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए और एक पैर ऊपर, और एक पैर के एक अंगूठे पर खड़ा होकर के दोनों हाथ सिर भी ऊपर ऐसे कर, और ब्रह्मा जी की इतनी कठोर तपस्या की हजारों हजारों साल तक, देवताओं के एक दिव्य वर्ष तक उसने तपस्या की, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। कैसी शक्तियां प्राप्त हुई उसको, न दिन को मरू न रात को मरू, न जल में न थल में, न शस्त्र से न अस्त्र से, न देवताओं से न असुर से न मनुष्य, कोई ऐसी चीज थी जो छोड़ी हो? अपनी बुद्धि के हिसाब से उसने सब कुछ मांगी, इतनी शक्तियां थी, वो अगर एक बार टेढ़ी नजर कर दे तो देवता भय से कांपने लगते। देवताओं की कितनी शक्तियां होती हम लोग सुनते, वो देवता हिरण्यकश्यप की एक भृकुटी से कांपने लगते थे। गंधर्व यक्ष भूत प्रेत, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे कांपता ना हो, इतनी शक्तियां थी। शरीर ऐसा कि किसी चीज का वज्र का भी कोई प्रभाव नहीं होता, कोई अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति ही नहीं जो उसको मार दे, ऐसी शक्तियां देखी कभी? दूसरी ओर प्रहलाद महाराज को देखो, कौन सा तपस्या करके कौन सा वरदान प्राप्त, कुछ वरदान प्राप्त किया? लेकिन कितना सुंदर वर्णन आया, जब प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया, सब कुछ कर लिया उसका, उसने सांपों से डसवाया, जहर खिलाया, आग में जलवाया, खोलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया, पत्थर से ऊपर से पहाड़ से गिराया, मतलब जितने तरीके हो सकते हैं मारने के वो सब कर लिए। किसको? एक 5 साल का बालक जिसने कुछ तपस्या नहीं की, कोई वरदान प्राप्त नहीं किया, किंतु भगवान का भजन करते। इसलिए हिरण्यकश्यप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, और अंत में उसका परिणाम पता है क्या हुआ? हिरण्यकश्यप खुद भयभीत हो गया, सोच रहा इसकी मेरी शक्ति तो फिर भी लिमिटेड है, इसकी तो अनलिमिटेड शक्ति है, किसी तरीके से कुछ नहीं है, इसलिए कोई तपस्या भी नहीं की, न तो ये बदलता है अर्थात मेरी बात भी नहीं मानता, मुझसे डरता भी नहीं है, चेंज भी नहीं होता, करूं तो क्या करूं? और ये जो मैंने इसके लिए जो जो मारने के लिए जो जो प्रयास किए, भूलने वाला है, बड़ा होगा अभी छोटे में ही इसकी इतनी शक्ति है, बड़ा हो जाएगा तो और कितनी शक्ति होगी, मुझे ही नहीं मार देगा, ऐसा भयभीत हो गया, डर गया, पसीना पसीना हो गया। देखो भक्ति में और बताए ना तपस्या में शक्तियों में कितना अंतर। प्रहलाद महाराज केवल भगवान का भजन, हिरण्यकश्यप ने महा तपस्या की, लेकिन वो इतना तपस्या लेकर के और इतना वरदान लेकर के ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई दूसरा आदमी मार ना पाए, फिर भी डर रहा है एक बालक से 5 साल के, ये है भक्ति। और अंत में डर करके चुपचाप बैठ गया, समझ में ही नहीं आता करूं तो क्या करूं, कह रहा है ये तो कुत्ते की पूंछ की तरह है, टेढ़ा सीधा होता ही नहीं, बदलता भी नहीं है, भगवान का भजन भी नहीं छोड़ता है, इसको देख देख करके दूसरे और बिगड़ जाएंगे, और दूसरी बात अब मुझसे कौन डरेगा? जिसकी तेरी तिरछी नजर से देवता लोग कांपने लगते हैं, वो सोच रहा है कि अब मुझसे डरेगा कौन, क्योंकि मैं तो एक 5 साल के बालक को भी नहीं बदल पा रहा। देखो भक्ति में कैसी वस्तु है, क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए उनको किसी शक्ति की, किसी तपस्या की, किसी की जरूरत नहीं, इसको कहते हैं भक्ति। तो इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं ये साधु हैं, ये क्या हाथ देख सकते हैं,
हमारे भविष्य में क्या लिखा ये देख सकते हैं। ये साधु का काम नहीं है हाथ पैर देखना, ये चमत्कार कर देना, रोग ठीक कर देना, ये सब साधुओं का काम नहीं है। साधु तो हृदय में भगवान को धारण करके चलते हैं। उस दिन क्या होता है, तीर्थी कुर्मन्ति तीर्थानी स्वान्ता स्तेन कदावृता। गंगा जी में सारे लोग जा जा करके अपने पाप धो करके आते हैं। गंगा जी पूछ रही हैं जब इस जगत में आने से पहले कि मेरे पाप कितने सारे लोग पाप मुझ में धो करके जाएंगे तो मैं पवित्र कैसे होंगी, मेरे पाप कौन धोएगा। तो भगीरथ महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं जब उनका तुम्हारे साथ में अंग संग होगा अर्थात जब वो स्नान करेंगे तुम्हारे जल को स्पर्श करेंगे उससे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। साधु तो ऐसा बड़ा चीज है, गंगा जी को भी पवित्र करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थों को लोग जा जा करके अपवित्र करते हैं जब वहां साधु जाते हैं तो उनको भी पवित्र कर देते हैं। ये साधु का काम है भगवान का और भगवान का भजन कराना, चमत्कार दिखाना साधु का कोई काम नहीं होता। उनको उनके पास तो बहुत बड़ा चमत्कार है, जैसे अभी बताया प्रहलाद महाराज, जिसके पास स्वयं कृष्ण है उसको कोई चमत्कार दिखाने की जरूरत क्या है। ये सब लोग कौन करते हैं, जिनको प्रतिष्ठा की कामना होती है, धन की कामना होती है और जो जगत की कामनाएं हैं वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी ऐसी चमत्कार वाले काम करते हैं। साधुओं को तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो भगवान की जरूरत है उनको बस, इसलिए एकमात्र भक्ति ही करते हैं वो। तो इसलिए हम लोग जो आए उसका प्रयोजन यहाँ पर कोई ऐसी कुछ बातें नहीं है, उसका प्रयोजन एकमात्र आप लोगों को वो वस्तु देना जो कि बताया, जिसके लिए ब्रह्मा और शिव भी प्रार्थना करते हैं। शिव जी स्वयं श्रीमद् भागवत में श्लोक है, सब लोग पढ़ सकते जाके। शिव जी कह रहे हैं स्वधर्म निष्ठा सत जन विभी पुमान विरिंचता मेति तथा परम इमाम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यदा विबुदा कलाते। जो व्यक्ति देखो सबसे ज्यादा इस सृष्टि में पावरफुल है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बनने के लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, 100 जन्म तक आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करो ब्रह्मा पद प्राप्त हो गए। शिव जी कह रहे हैं उससे ऊपर उससे भी और अगर कोई श्रेष्ठ कुछ करता है तो वो शिव जी के लोक को चला जाता है, शिव जी कह रहे हैं। लेकिन ये वैष्णवों को देखो, ये मुझसे अर्थात शिव जी मुझसे और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं। क्यों, क्योंकि ब्रह्मा और मैं भगवान के धाम को कब जाएंगे पता है, 100 साल बाद। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है, 100 साल जानते हो कितना होता है उनका, उनका ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग में होते हैं 43,20,000 साल, 43,20,000 into 1000 ये एक दिन हुआ, 12 घंटे into 2 कर दो 24 घंटे हो गए। ऐसे करके 360 दिन into 360 कर दो ये एक वर्ष हुआ ब्रह्मा जी, और into 100 कर दो ये ब्रह्मा जी की आयु है, खरबों साल हो गई। कह रहे ब्रह्मा जी और मैं शिव हम दोनों इतने खरबों साल के बाद भगवान के पद को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन इन वैष्णवों को देखो तो इन्होंने तो इसी जन्म में प्राप्त कर लिया। कौन श्रेष्ठ रहा, शिव जी स्वयं वैष्णवों की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उसी वस्तु को सिखाने के लिए, उसी वस्तु को देने के लिए और उसी वस्तु का प्रचार करने के लिए ही जाते हैं, इसके अतिरिक्त हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है। अब वो भक्ति कैसे करेंगे, इसके लिए महाराज जी 7 दिन से पहले तो हरि नाम की महिमा बता रहे हैं। पहले तो हरि नाम करना प्रारंभ करो, क्योंकि ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। आप खुद विचार करो, इतनी बड़ी चीज जिसके लिए शिव जी स्वयं उनकी स्तुति करते हैं वैष्णवों की, ब्रह्मा जी स्वयं जिनकी स्तुति करते हैं, सारे वेद शास्त्र वैष्णवों की महिमा गान करते हैं, जो गंगा जी को भी पवित्र करने वाले, क्या ऐसे बच्चों का खेल क्या हो जाएगा। प्रारंभ करना पड़ेगा हरि नाम से, लोग उतना भी नहीं करते बताओ, उतना भी नहीं करते। अरे हरि नाम में क्या परेशानी है भाई, देखो आपको पढ़ाई करनी होती है। जो बच्चा पढ़ता है इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, हमने भी पढ़ाई करी, एक तो स्कूल में जाकर के फीस भी देनी पड़ती है, 8-10 घंटा बैठना भी पड़ता है, मतलब पैसा दे करके पढ़ाई होती है, मेहनत भी हम कर रहे हैं पैसा भी दे रहे हैं, नौकरी करते वहां भी 10-12 घंटे जाकर के मेहनत करनी पड़ती है तब पैसा मिलता है। मतलब हर जगह जहां तुम कुछ कमाओगे कुछ प्राप्त करोगे उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हरि नाम में कौन सा इन्वेस्टमेंट है। नौकरी कर रहे दुकान पे बैठे हुए हरि महामंत्र जपना शुरू कर दिया, कोई कस्टमर क्या 24 घंटे लगे रहते क्या लाइन में, घंटे 2 घंटे में एक आदमी आता है,
उतनी देर में बैठ करके हरि नाम कर रहे हो, मतलब तुम्हारा पैसा भी कमा रहे हो और जो परमार्थ है अर्थात जो भगवान है उनकी कमाई भी कर रहे हो, दोनों उसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। जहां हो जैसे हो वैसे वैसे ही करो। इसलिए इससे अधिक अधिक सुलभ उपाय संसार में कोई दूसरा बता दो उनको कि जहां इतना फ्री में इतनी बड़ी वस्तु प्राप्त होती बिना कुछ पैसा दिए। जगत में सोच करके अच्छे अच्छे तरीके से सब लोग, इतने सारे लोग 40-50-60 लोग, सब लोग अच्छे से विचार करके एक भी ऐसी वस्तु बता दो जो कितना सुलभ और फल कितना बड़ा, स्वयं भगवान वशीभूत हो जाते आगे। जैसा अभी हमने बताया प्रहलाद महाराज कौन से एक पैर पे खड़े होकर के उल्टे लटक करके तपस्या कर रहे थे, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया, केवल भगवान का भजन करते थे, हरि नाम करते थे और कुछ नहीं करते थे, और उसके फलस्वरूप उनको भगवान की भी प्राप्ति हो गई और जगत में जो वस्तु लोग प्राप्त करना चाहते वो सब भी प्राप्त हो। उसके बाद में महाराज जी बता रहे कई दिनों से तिलक बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग देखो जगत को दिखाने के लिए लज्जावश तिलक भी नहीं करते, लोग सवाल पूछेंगे, लोग जगत में कितने कितने गलत गलत काम करते हैं उनसे सवाल नहीं पूछे, तुम शराब क्यों पीते हो, तुम अवैध स्त्री संग क्यों करते हो, पूछते कि नहीं पूछते, छोड़ देते उसे, गलत काम भी नहीं छोड़ते। और हम लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ तो करो, भगवान को प्राप्त भी करना चाहते हैं लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ करना नहीं चाहते। इस तिलक का कितना महत्व है, जिसको प्रमाण चाहिए हमारे पास सारे प्रमाण है शास्त्र के, ऐसे ही अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते। तिलक के बारे में बताया जिस मस्तक पर तिलक नहीं होता है वो मस्तक शमशान के शव के तुल्य होता है, शास्त्र में ऐसी बात होता है, शव के तुल्य। हम लोग सुनते हैं लेकिन फिर भी करते हैं, क्यों, शास्त्र में विश्वास ही नहीं, भगवान चाहिए ही नहीं, वही धन पुत्र पत्नी परिवार वही सब चाहिए, उसी में डूबे रहना चाहते। और तिलक की महिमा बताई है कि तिलक में भी देखो बताया कि ना देखो सब चीज शास्त्र में बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो तुम उल्टा पुल्टा करोगे। बहुत सारे लोग साधु आते हैं वो देखा तिलक बड़ा बड़ा तिलक ऐसे त्रिपुंड धारण करके आते हैं, अरे शास्त्र पढ़ो उस त्रिपुंड की बात पता चलेगी। अगर त्रिपुंडधारी व्यक्ति का गलती से भी अगर दर्शन हो जाए, ब्राह्मण का बता रहा हूँ, बाकी सभी तो बात ही छोड़ो, आजकल तो कोई भी ऐसे पैसे कमाने के लिए वो कटोरा ले लिया और त्रिपुंड धारण कर लिया और मांगने चल देते हैं, उनकी तो बात छोड़ दो, जो सच में ही ब्राह्मण है उसके लिए शास्त्र में कहा गया अगर वो त्रिपुंड धारण कर लेता है तो उसको देख करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या प्रायश्चित, जाकर के सूर्य के जो रोशनी है उसमें स्नान करना पड़ेगा। और बताया जो त्रिपुंडधारी है व्यक्ति अगर उसका दर्शन हो जाता है तो सवस्त्र 1000 बार स्नान करना, इतना अपवित्र बताया गया उसको, वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो तामसिक होता है। इसलिए हम सोचते हैं तिलक तो तिलक है कोई भी लगाओ, साधु तो साधु है सब साधु हैं, ऐसा नहीं होता है। सब कॉलेज तो कॉलेज है, किसी भी कॉलेज में पढ़ो फिर क्यों हम लोग देखते हैं कि अप्रूव्ड है कि नहीं है यूनिवर्सिटी से, जो कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है वहां से तुम टेंथ कर लो ट्वेल्थ कर लो इंजीनियरिंग कर लो डॉक्टर बन जाओ, उसकी कोई वैल्यू है, दो कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है, सारा पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, जीवन भी बर्बाद, होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार से शास्त्र में भी है कि साधु सब साधु नहीं है, अवैष्णवो प्रतिष्ठेन मंत्रेण निर्यम व्रजे पुनश्च विदना सम्यक ग्राहित वैष्णवाद गुरु, ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो उल्टे पुल्टे आदमी के पास जाओगे नरक में उल्टा जाना पड़ेगा, ये शास्त्र कह रहे हैं। अवैष्णवो प्रतिष्ठेन मंत्रेण निर्यम, निर्यम माने होता है नरक, अवैष्णव से अगर मंत्र ले लिया जाकर के कहीं से भी चलो मंत्र ले ले, जिनके पीछे 1-1 लाख लोग हैं उनसे मंत्र ले लेते हैं, 1 लाख लोग तो हैं लेकिन वो 1 लाख तो नरक में जाएंगे तुम भी साथ में जाओगे। इसलिए विचार करना चाहिए वैष्णव कौन है, पुनश्च विदना, अगर गलती से किसी ने वो मंत्र ले लिया वैष्णव गुरु से तो उसको पुनः विधि है कि वो वैष्णव गुरु से मंत्र लेगा, नहीं तो नरक में पक्का जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा, इसका प्रमाण भी है। एक शिल प्रभुपाद के एक शिष्य थे, शिल प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद में उन्होंने मंत्र जब छोड़ दिया, हरि नाम भी छोड़ दिया, वो जब गए, जब मृत्यु हो गई तो उनको यमदूत ले गए, वहां पर जाकर के भयभीत हो गए, डर के मारे प्रभुपाद को पुकारने लगे, फिर प्रभुपाद वहीं पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा तुमने बहुत अपराध किया, तो सदगुरु ने जो मंत्र दिया उसको जप करना छोड़ दिया, इसलिए अगर तुमको बचना है तो तुम जाओ, तुम्हें एक मौका और दे रहे,
फिर से जा करके उसमें वर्णन है श्री भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी उस समय थे, उनको बोला कि तुम जाकर उनसे दीक्षा लो, उनसे मंत्र लो फिर से, और तब तुम्हारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। और दूसरी ओर जो वैष्णव से मंत्र लिया उसका क्या महिमा है, गुरु भक्तराज विष्णु मंत्रो यस्य कर्णम प्रविशति यमस्तल लिखनम दूरम करोति तत्क्षणम। जैसे ही अगर सद वैष्णव सदगुरु से मंत्र लिया, कान में जिस समय प्रवेश करता है उसी समय यमराज उसका अकाउंट काट देगा। अब ये हमारे अधिकार में नहीं है, अब ये भगवान के अधिकार में है। उसको सुख दुख दंड और इनाम जो कुछ भी देंगे वो सब भगवान देंगे। इसलिए सभी लोगों को ये जो ऊर्ध कुंड है, ऊर्ध कुंड जो ऊर्ध तिलक है, ये धारण करना चाहिए। जो मर गया, कोई बिंदी लगा लिया, कोई ऐसे कर लिया, कोई कुछ भी कर लिया, ये सब चलेगा नहीं, शास्त्र में लिखा हुआ है। ये जिसको प्रमाण चाहिए अभी भी हमारे पास है, वो प्रमाण सारे पुराणों के उदाहरण है, श्लोक है, वो सब हम बता दें। दूसरा बताया कंठी का, और भी बताया जो श्राद्ध इत्यादि करता है, तिलक धारण करिए बिना श्राद्ध करता है, वो श्राद्ध तो लगता ही नहीं है, उसका कोई फल नहीं है, सब बेकार जाता है। शिवजी स्वयं कह रहे हैं जो अधीक्षित व्यक्ति है जिसने दीक्षा नहीं ली, उसका जितना भी सब क्रियाएं है वो सब निष्फल हो जाती है। हम लोग देखते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं किंतु फल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रोसेस फॉलो नहीं करते। गलत इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया है, जहां पर की जो कि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ही नहीं, इसलिए उस सर्टिफिकेट की हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारे मंत्रों की कोई मूल्य नहीं, हमारी जो दान पुण्य व्रत इत्यादि किया, दान का भी बड़ा विचार है। दान के लिए शास्त्र में पद्म पुराण में एक श्लोक आया, धूम्रपान रते विप्रे दाने कुर्वन्ती ये नरा दातारे नर के यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकर। हम लोग सोचते हैं ना दान करेंगे दान करेंगे दान, दान में भी पात्र का विचार होता है। जो व्यक्ति धूम्रपान में रत किसी व्यक्ति को दान देता है, ब्राह्मण है, जो शराब बीड़ी सिगरेट पीता है जो ब्राह्मण, उसको दान देने से दाता तो नरक में जाता है पहले, और जो ब्राह्मण है वो गांव में सुअर बनता है, विष्टाभोजी सुअर बनना पड़ता है उसको जो दान ले रहा है। इसलिए हम लोग बताया कि ये सब सही सही बातें जो है शास्त्र की, वो सब लोगों को बताने के लिए यहाँ पर आए। कंठी धारण करना चाहिए, कंठी के बिना तो भगवान कुछ ग्रहण ही नहीं करते। कंठी का मतलब क्या है, ये तुलसी है, भगवान की अत्यंत प्रिय है। ये हम जो कंठी पहनते हैं इसका मतलब क्या है कि हमने कंठी धारण करके, तुलसी धारण करके अपने इस शरीर को कृष्ण को अर्पण कर दिया। अब ये शरीर जब कृष्ण का हो गया तो कृष्ण उसका ग्रहण करेंगे, जब कृष्ण का शरीर है ही नहीं तो कृष्ण उसको ग्रहण ही क्यों करेंगे। इसलिए इस बात को भी विचार करना चाहिए। ये सब हम लोग ऐसे ही नहीं करते, कुछ भी अपने मन से तिलक लगा लिया, अपने मन से कंठी पहन लिया, कुछ हमको सुंदरता दिखाने के लिए नहीं है। ये सब शास्त्र की बातें हैं, शास्त्र में बताया इन सब के बिना तो भगवान किसी के हाथ की कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं करते। इसलिए हम लोगों को ये सब जरूर धारण करना। और इसके अतिरिक्त जो बताया हरि नाम, बिना हरि नाम के तो कलयुग में कोई गति ही नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रन्यता। हम लोग 7 दिन से ये हरि नाम की महिमा बता रहे हैं। और दूसरी जो सबसे मुख्य बात है कि जो प्याज लहसुन खाना तो छोड़ ही दो पहले, और प्याज लहसुन खाना छोड़ करके अगर नरक नहीं जाना है तो सदगुरु का पदाश्रय कर लो। आप लोगों के लिए कह रहे हैं, उसमें हमारा कोई कमीशन थोड़ी है कि हम इतने लोगों को दीक्षा दिलाएंगे तो हमको कोई पैसा मिलने वाला है क्या? हम कुछ बताए ना, हमको कुछ लेने के लिए नहीं आए। इस बात को समझना चाहिए, बिना दीक्षा के कुछ होगा, अधीक्षित वामोरु सर्व क्रिया निष्फलम भवे। शिव जी कह रही है पार्वती देवी को, जो अधीक्षित है जिसने दीक्षा नहीं ली उसका सब कुछ वैसे ही निष्फल हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई तुम लोग गुरु पदाश्रय करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिनु गुरु भवने दि तरह ही न कोई जो बिरंच शंकर सम हुई। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, तुलसीदास जी स्वयं ही कह रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव कितने समर्थवान, एक सृष्टि करता है एक संहार करता है, इस जगत के दोनों सबसे बड़े पावरफुल देवता है। कह रहे इतना पावरफुल होने पर भी अगर कोई गुरु पदाश्रय नहीं करता है, भवन इति तरह ही न कोई, भव सागर से पार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बताया सर्टिफिकेट चाहिए भगवान को, वो सर्टिफिकेट गुरु देते हैं। इसलिए गुरु पदाश्रय करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए बताया कुछ और तो कंडीशन भी नहीं है। अरे बताया
कि इंजीनियरिंग करने के लिए डॉक्टर बनने के लिए 5-5 लाख रुपया फीस है एक एक साल का। दीक्षा लेने के लिए कौन सी फीस लगाया? स्कूल में जाकर के हम नियम पालन नहीं करते, 8 घंटे तक तो बैठना पड़ता है वहां पर, जैसा जैसा स्कूल का नियम है वो सब पालन करना पड़ता है। हमारा कोई नियम थोड़ी है प्याज लहसुन मत खाओ, ये हमारा नियम नहीं है, ये शास्त्र का नियम है, वो तो मानना ही पड़ेगा ना। इतनी छोटी सी चीज को छोड़ करके वो नियम तो पालन करने के लिए, और इतनी बड़ी वस्तु कृष्ण प्राप्त होंगे, लेकिन हम उतनी छोटी वस्तु भी छोड़ना नहीं चाहते तो कैसे प्राप्त होगा। इसलिए ये जो भागवत हम लोग जो कर रहे हैं उसका मूल प्रयोजन वही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग तो भक्त लोग बहुत पुराने हैं, वो सब जानते हैं इन बातों को, लेकिन जो नए हैं उनको भी ये बातें समझनी चाहिए। और शास्त्र थोड़ा अपने आप ही पढ़ो, जिससे कोई तुमको मूर्ख ना बना दे। कोई कुछ भी बोल करके ठग करके चले जाते हैं लोग, और नरक में उल्टा दान करने के बाद उल्टा नरक में और जाना पड़ेगा, बताओ इससे क्या फायदा हुआ। इसलिए भक्ति को समझो, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, वैष्णव क्या है, इन सब चीजों को समझना चाहिए। हाँ। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल तरुपे कृपा सिंधु हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल भगवान एक बहुत बड़े यज्ञ के अनुष्ठान की, जिस यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। क्या था यज्ञ का नाम? विश्व में शांति और सुख कैसे,
जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं बलदेव प्रभु कृष्ण की 16108 पटरानियां, जहाँ पर देवकी वसुदेव बड़े बड़े ब्राह्मण को बुलाए गए और जहाँ पर चंदन की लकड़ी गैया के घी से बड़ी धूमधाम से वो यज्ञ हो रही थी। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा। नियम होता है जब कोई यज्ञ प्रारंभ हो जब तक इसकी पूर्णाहुति नहीं होता है ना, बीच में यज्ञ को बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब यज्ञ हो रही थी हठात देखा एक आकाश से एक ज्योति को उतरते हुए, सब लोग देखने लग गए भैया ज्योति कहाँ से आ रहे हैं। वो ज्योति धीरे 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 नीचे आते आते जब एकदम नीचे आ गए ने देखा श्री नारद जी। जब नारद जी को देखा वहां पर वसुदेव महाराज खड़े हो गए, बोले भैया यज्ञ बंद करो, यज्ञ बंद करो, क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो साक्षात आ गया, श्री नारद जी का दर्शन हो गया, संत दर्शन हो गया, मतलब हमारी यज्ञ पूरी हो गया। जिस सिंहासन में भगवान कृष्ण बैठते ही वहां पर श्री नारद जी को बैठा दिए, उनको चरणों के नीचे भगवान खुद बैठे गए और सबके सब पटरानियां वसुदेव महाराज बैठी गई, उनका चरण धोए, चरणामृत लिया, उनकी चरणों को शांति जल रूप में पूरा द्वारका में छिड़काव कराया, हमारी देश का शांति हो, देश में कल्याण हो। तो उसको नीचे श्री वसुदेव महाराज कहते हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिना क्षण बंधुरम तथापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। देखो यहाँ पर कहते हैं एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ, लेकिन ये मानव शरीर में और सबसे ज्यादा दुर्लभ किया है, मतलब बीच में अगर किसी संतों की सही संतों का दर्शन हो गया ना, कहते उससे भी ज्यादा दुर्लभ है जब जीवन में कहीं भक्त दर्शन हो जाए, जब जीवन में कोई शुद्ध भक्त दर्शन हो जाए, समझो भगवान और हमारी कोई दूर है, ठाकुर जल्दी जल्दी हमें ठाकुर जी मिलने वाले। इसलिए जब श्री हनुमान जी को साथ में विभीषण के साक्षात्कार हुई, विभीषण जब पता चला ये राम के सबसे पक्के भक्त कौन है, श्री हनुमान जी, विभीषण क्या कहते हैं, बोले आज मैं भाव भरोसा हनुमंता बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा हो गया है, क्योंकि जब तक ठाकुर जी का कृपा नहीं हो तब तक जीवन में संत दर्शन नहीं होते हैं, लगता है जल्दी जल्दी हमें ठाकुर मिलने वाले। इसलिए सचमुच से श्री विभीषण को क्या हुआ, प्रभु राम की दर्शन मिल गया, अयोध्या की राजा हैं। इसलिए यहाँ पर देखो कितने बड़े नाम क्या था, विश्व शांति महायज्ञ, विश्व में शांति कहीं से हो, लेकिन जब श्री नारद जी आए ना सब यज्ञ बंद कर दिया, बोले यज्ञ का फल हम मिल गया, क्यों संत दर्शन हो गया ना, कहते कि कारण क्या, बोले कारण ही जीवन में शांति कब हमें मिलेगी, बोले तभी जीवन में शांति मिलेगी, भगवान हमारे कृष्ण गीता में कहते बोले हे अर्जुन जब तक ये जीव ठाकुर जी के शरण में नहीं जाए, ठाकुर जी की भक्ति नहीं करे, जीवन में कभी जीव को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी 7 उदाहरण दिया, कितना उदाहरण दिए देखो क्या कहते हैं, बोले बारी मत है ग्री सिकता ते बरुते। देखो 7 उदाहरण क्या दिया, कहते अगर कोई सोचे हमने पानी को मंथन करते करते घी निकाल दिया, बताओ पानी को मंथन करने से घी निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते अगर कोई सोचे हमने तेल निकाल दिए, बोले इसको मैं मान सकता हूँ, अगर रेती को अगर पीसो तेल निकलेगा कि नहीं, निकलेगा तेल, रेती से तेल निकलेगी नहीं, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले आकाश में फूल खिल रहा है, कभी देखे हो आकाश में फूल खिलते हुए, कहते इसको मैं मान सकता हूँ। कोई बोले बांझा बांज की बेटा हो गया, बांझ तो इसलिए बेटा नहीं तब तो बांझ है ना, अगर कोई बोले बांझ का बेटा हो गया, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले खरगोश का सींग आ गया, खरगोश का सींग कभी देखे हो, कहते इसको भी मैं कभी मान सकता हूँ। अगर कोई बोले बर्फ गोपर में आग जल रहा देखे नहीं, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले कछुआ की पीठ पर बाल आ गया, कभी इतना कठोर कोई बाल होता ही नहीं। गोस्वामी जी ये सारे उदाहरण देकर कहते हैं ये असंभव कभी संभव हो सकता है। अगर कोई दुनिया में बोले हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते, भजन भजन कुछ नहीं करते, हम संसार में खूब सुखी है,
गोस्वामी जी कहते हैं भैया मैं कभी ये चीज को विश्वास नहीं कर सकता, बोले बिनु हरि भजन न भगत हरि, ये सिद्धांत अपेल, ये अटल सिद्धांत है। जब तक कोई ठाकुर की भक्ति नहीं करे तब तक जीवन में कभी शांति से उसको ले भी नहीं सकता है। वो व्यक्ति उतना ही सुखी है जो जितने ठाकुर जी के चरण में मन को लगा कर रखे, वो व्यक्ति उतना ही दुखी है जो ठाकुर के चरण से जितना दूर है, वो उतना ही दुखी है। इसलिए क्या करनी चाहिए, जीवन को भगवान के भजन में लगाओ। इसलिए जब नारद जी आए, क्योंकि जब तक संतों की कृपा नहीं हो तब तक हमें ज्ञान कौन देगा, ये भजन की बात हमें क्या कौन बताएगा, कोई तो बताएगा नहीं, संत तो बताएंगे हमें, है ना। इसलिए जब यहाँ श्री नारद जी आ गए, यहाँ पर श्री वसुदेव महाराज भगवान बोले यज्ञ बंद कर दो, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, यज्ञ का फल श्री नारद जी, ये संतो दर्शन है। तब नारद जी को बैठा करके वसुदेव महाराज प्रश्न करते हैं, देखो ये प्रश्न क्या करते हैं, बोले आप कृपा करके बताओ ये आत्मा को शांति कैसे, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तब इसका उत्तर श्री नारद जी कहते हैं, बोले भयम विद्या विनिवेशक इसात अपेद विपर्जय स्मृति, कहते फिर ये अशांति का कारण क्या है, ये दुख का क्या कारण है। बोले दुख का एक ही कारण है, हमने अपने पिता को, असली पिता को हमने भूल गए, असली बाप को हमने भूल गए, असली घर को हमने भूल गए, और नकली घर नकली पिता नकली दुनिया को हमने पकड़ लिया। इसलिए जितने सारे दुख का कारण है, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब अमृत से पुत्रा, हम सबके सब ठाकुर जी की संतान है, लेकिन उनकी भजन छोड़ने का नाते, भक्ति छोड़ने का नाते जितने सारे दुख है। अगर सुख पाना चाहते हो क्या करो, भगवान की शरण में जाओ। और भगवान कलयुग में तो सबसे सरल उपाय बता दिया, बोले मेरे को पाने के लिए ज्यादा कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं, बस भगवान की केवल नाम जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण बोलो सबके साथ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए ठाकुर जी की शरण में जरूर जाया करो और जाकर के भगवान के नाम जप करो। बोले नाम जप कैसे करेंगे, कहते तसई का आत्मा गुरुदेव आत्मा, पहले सदगुरु का चरण आश्रय करके ये भजन करनी चाहिए, क्योंकि बिनु गुरु भवन दी तरह न कोई, गुरु के बगैर कोई ज्ञान होता नहीं। इसलिए गुरु जी को अपना आत्म समर्पण करके ये भगवान की भक्ति करो। कोई बोलेगा भैया भक्ति तो बड़ा कठिन है, भक्ति तो बड़ा कठिन है भक्ति करना, तब यहाँ पर श्री नारद जी कहते हैं जो भक्ति है ना एकदम सरल है, इससे और सरल दुनिया में कुछ नहीं, भक्ति जगत में सबसे सरल है। मेरे तरफ में देखो ये भक्ति किसको कहते हैं, इधर देखो मेरे तरफ में, जैसे यहाँ पर कोई चीज रखा हुआ ना, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया, यही भक्ति है, और भक्ति कुछ नहीं है। समझ गए कि नहीं, कौन कौन समझ गए, लेकिन समझ अब नहीं आया। देखो भगवान नहीं कहते कोई चीज को छोड़ने के लिए, ठाकुर नहीं कहते, ठाकुर जी कहते हर चीज को मेरे साथ में जोड़ दो। ठाकुर जी छोड़ने के लिए कोई चीज को नहीं बताए, क्यों, ये दुनिया उसने बनाया, हम क्या छोड़ सकते, दुनिया तो ठाकुर बनाया, तुम क्या छोड़ सकते हो, कोई चीज को छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि दुनिया ठाकुर का है। लेकिन हर चीज को क्या करो, जोड़ दो। एक उदाहरण, ये दिमाग में इतना सारी चीज अगर बैठा दोगे ना, समझना सात दिन कथा सुनने का फल भी है तुमको, अच्छा तरह से समझो। कोई एक व्यक्ति था जो घी खूब पीता था, अभी घी पी पी कर उसका पेट बदला हो गया, उसके पेट में और घी हजम नहीं होता, लेकिन घी उसको बढ़िया लगता है, तो भीड़ छूट नहीं रहा है। वो किसी वैद्य को पास में गया, बोले मैं घी पी पी करके पेट बदला हो गया और घी मेरे को अच्छा लगता है, छोड़ नहीं पाता, लेकिन पेट बदला हो गया, लेकिन भैया घी नहीं छोड़ सकता हूँ, ऐसे कुछ दबा दो मैं तो घी छोड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे पेट सही हो जाए। वैद्य ने कहा देखो घी छोड़ने का जरूरत नहीं,
मैं तुमको भी दवा देता हूँ, पुड़िया देता हूँ। पहले जैसे घी डायरेक्ट पी लेता था, ऐसे पिया मतलब ये पुड़िया को उसमें खट्टा मीठा नमकीन चीज थी, बोले घी को साथ में इसको मिला दो, मिला करके इसको चाट चाट कर खाया करो। जो पहले डायरेक्ट घी पीता था इसलिए हजम नहीं होता था, लेकिन उसको खट्टा मीठा नमकीन चीज जब चाट कर खाओगे ना मुंह में लाल निकलेगा, और लाल को साथ में जब अंदर में जाएगा फिर तो ये अपने आप हजम हो जाएगा। देखो जो घी इसको पेट में अपच का काम करता था, लेकिन जो भी पुड़िया मिला करके चाट चाट कर खाए ना, वही घी उल्टा काम करना शुरू कर दिया। क्या हो गया? वो पचना शुरू हो गया। क्यों? पहले डायरेक्ट पीता था, अभी क्या करता है चाट चाट कर खाता है, कि उसमें खट्टा मीठा नमकीन चीज है। हाँ, ये चीज को समझो, हम संसार में ये दुख का कारण क्या है, ये कर्म का फल ही है। पहले पहले हमने जो जो कर्म किया वो कर्म का फल अभी भोग रहे हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पैसा से दुखी। दुखी दुखी होगी नहीं, बताओ संसार में कौन सुखी? बोलो, सब दुनिया में दुखी। किसी किसी कृष्ण खुद कहते हैं दुख का घर है, हम सुख भोगने थोड़े आए हैं। यहाँ पर तो कर्म का फल भोगने के लिए, पाप भोगने के लिए आए हो। ये संसार दुखालयम, कृष्ण खुद इसने बनाया, खुद कहता है दुख का घर ही है। लेकिन ये कर्म करते हैं इसका फल भोगने के लिए दुख भोगना पड़ता है। देखो इससे मुक्त तो कैसे पा सकती है, यही बात वो कह रहे हैं। बोले भैया इसको कोई चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, ये जो अपच हो रहा है कर्म का फल में ही दुख कष्ट पा रहे हैं, लेकिन छोड़ने का जरूरत नहीं। जोड़ो, क्या करो, पुड़िया में मिला दो। पुड़िया में मिला मतलब ये पुड़िया क्या चीज? बोले भक्ति। अभी जो कुछ करो, पैसा उपार्जन करो, क्यों? पैसा के बगैर तो चलेगा नहीं, पैसा तो लक्ष्मी। लेकिन इतना याद रखो जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं। लक्ष्मी किसकी है? बोलो, लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। नारायण की सेवा के लिए लक्ष्मी रोजगार करो। जैसे कभी ये परिवार में कथा हो रही, ये भी संसार करते हैं, ये भी इनका जीव भी है, इसका भी दो तीन बिजनेस है, कभी पैसा कमाता है। पैसा कमाया तब तो भागवत कथा कर रहा है, कहां से पैसा था? पैसा नहीं होता तो काम कैसे करता, घर कैसे बनाते? पैसा के बगैर कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं केवल कमा रहे हैं ठाकुर का सेवा के लिए। लेकिन साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, पैसा इसलिए कमा रहा हूँ उसको मैं भोग करूंगा, मेरा बेटा भोग करेगा, मेरी बीवी भोग करेगी। इसलिए लक्ष्मी की दो बहन है, एक उल्लू और एक गरुड़ है। लेकिन जब लक्ष्मी को भोग वासना से जब पैसा कमाओगे ना, वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगी, और उल्लू क्या करती है, हमें उल्लू के पट्टे कहते हैं ना, गाली देते हैं, ये उल्लू फिर हम मूर्ख बनाती है, सारे दुख कष्ट लेकर के आएगी। लेकिन जब पैसा को, लेकिन जब ठाकुर को सेवा के लिए कमा रहे हो, देखना उसका एक बहन गरुड़ है, गरुड़ के ऊपर में लक्ष्मी को कभी अकेले नहीं देखोगे, देखोगे नारायण को साथ में बैठे हुए देखोगे। इसका मतलब है जब लक्ष्मी को ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओगे ना, वो उल्लू को ऊपर बैठ करके नहीं, वो गरुड़ को ऊपर बैठ करके आएगी। और जहाँ गरुड़ वहां पर वैकुंठ है। कहाँ गरुड़ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। तुम्हारी घर को घर नहीं, तुम्हारी घर को ये वैकुंठपुरी बना देंगे। हैं? इसलिए पैसा कमाओ लेकिन भगवान की सेवा के लिए। मतलब क्या, घर में जो कुछ रसोई बनती है सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा। क्या करोगे, क्या करोगे बोलो? ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता करके भोग लगाओ। पैसा से खरीद किया लक्ष्मी, लेकिन जब वो कृष्ण सेवा में लग गई, लक्ष्मी कहाँ पर लग गई? कृष्ण सेवा में लग गई। बस लक्ष्मी आशीर्वाद देगी, बेटा खूब फलते फूलते रहो, बेटा खूब सुखी रहो, खूब आनंद में रहो, आशीर्वाद देती है। लेकिन एक समस्या, अगर प्याज लहसुन खाओगे, मांस मछली खाओगे, फिर भोग नहीं लगा सकते, भोग नहीं लग सकती है। इसलिए ये प्याज को छोड़ना पड़ेगा। ये प्याज को, जैसे नवरात्रि आती है ना, नौ दिन तक तो प्याज लहसुन खाते हो? कोई कौन खाते हो? नहीं खाते। क्यों? वैष्णवी दिन तो पसंद नहीं। क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखना, उसको बाद में प्याज लहसुन खा कर नाराज कर दो? नौ दिन तक तो दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा कर दो है? इसलिए माता जी को जो चीज पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। इसलिए पुराण में कथा आती है, देखो प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए, ये पुराण में कथा आती है। पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, गैया माता है, गो माता कहते हैं ना, ये अगर बूढ़ी हो जाए इसको कोई मरने नहीं देते थे।
ऋषि लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे, लेकिन इनको पास में इतने मंत्र शक्ति थी, जब मंत्र पढ़ते थे ना बूढ़ी गैया जवानी हो जाती थी। कोई गैया बूढ़ी हो गई, आश्रम में यज्ञ के अनुष्ठान करके गैया को बलिदान दिया, सबको हाथ में मांस दे दिया आहुति डालने के लिए। अभी हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी ने गैया की मांस को देखकर खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने कैसे खाएं, उसको मैं रात में छुपा देता, उसने छुपाया, सबके सब आहुति डाल लेगा। ऋषि ने दो बार मंत्र पढ़ते जो बुरी गैया थी एकदम जवान ही बनकर निकली, इतने मंत्र इस अंग का मांस को छुपा दिया था, वहां पर इतना बड़ा घाव बना हुआ। ऋषि देखा सारे शरीर भरा, ये घाव क्यों, ध्यान लगाया, देखा किसने मांस खाने के लिए रात में छुपाया, अभिशाप दी, बोले जहां पर ये मांस को गाड़ दिया, मांस जैसे लाल लाल रंग के, वहां पर प्याज के पौधा भी ये लाल लाल रंग के बनेगा, जैसे मांस खाने से जैसे मांस सड़ जाए बदबू आती है, अगर ये प्याज आप कच्चा प्याज का मुंह से भी बदबू आती है, अगर यहाँ पर प्याज काटे हो ना पता चलेगा कहीं प्याज कट रही है, इसलिए आंखों से आंसू आ जाती है, इसलिए 9 दिन तो क्या करते हैं नवरात्रि में ये प्याज लहसुन को कोई नहीं खाते, क्यों, माता जी को पसंद नहीं, वो मांस से सृष्टि हुई, इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा में, राम की सेवा में, हनुमान जी की सेवा में, शंकर जी की सेवा में देखना प्याज लहसुन का ही भोग लगता है, इनकी सेवा में क्यों नहीं लगती है, ये गो मांस से सृष्टि हुई। बोले पहले चीज को हिंदू लोग कोई नहीं खाते थे, बोले फिर कहां से आए, बोले ये मुगल लोगों ने लाए सब, ये मांस मछली दारू पारू ये जितने तामसिक लोग वही लोग लाए और हमको खिला खिला करके ना, वो तो हमारी कोई धर्म को नहीं ले रहे, हम धीरे धीरे उसकी एक एक चीज को लेना शुरू करते, पहले प्याज खाओ फिर अंडा ले आओ फिर मछली ले आओ फिर मांस ले आओ, बस घर को शमशान भूमि बना दो घर को, इसलिए ये चीज को छोड़नी चाहिए, छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान को भोग लगाओ और ठाकुर को सेवा में लगाओ, तो क्या हो गया, ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग गई, इसलिए घर बनाओ। देखो इन्होंने सुंदर घर बनाया, कितना सुंदर घर बनाया, लेकिन घर क्यों बनाए, सत्संग हो, घर भगवान की कथा हो, भगवान की कीर्तन हो, घर में संत लोग आए, इसलिए घर में जब झाड़ू लगाओ कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, तो ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, ठाकुर जी के मंदिर में, बच्चे को थप थप करके सुलाओ जैसे माताएं सुलाती हैं, गोपियां भी तो घर में थी लेकिन जैसे गोपियां घर में थी बच्चों को थप थप लगा करके सुलाती हैं, लेकिन मुंह में क्या करती हैं, बोले गोविंद दामो धर्माद बेटी गोविंद जो कुछ करो ठाकुर जी के लिए करो, इसलिए कृष्ण गीता में कहते बोले हे अर्जुन यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोकयम कर्मणं, हे अर्जुन जो मेरे को छोड़ करके कर्म करता है कर्म बंधन में फंसता है दुख कष्ट भोग करता है, हे अर्जुन जो मेरे को ले करके कर्म करता है मुक्त संग समाचार संसार की बंधन से मुक्त हो जाती है, इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कहते हैं कोई चीज छोड़ो नहीं, हर चीज ठाकुर के साथ में जोड़ दो, लेकिन अभी प्रश्न जोड़ेंगे कैसे, इसलिए कहते भैया बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, जब तक हम संतों की संग नहीं कर ज्ञान कौन बताएगा, जैसे ये परिवार देखो इनके परिवार में शायद इनके तीन ये तीन बहनी तुम लोग ना तीन बहनी ये तीन बहनी है, इनकी पूरा परिवार को देखोगे
ये तीन बहन, तीन इनके जो दामाद है और तीन इनका जो बेटे को संतान की संतान, सबकी गले में कंठी तिलक माला, सबके सब भजन करते, सब कृष्ण भक्ति करते, सबके सब। बोले क्यों? बोले सत्संग में जुड़े हुए हैं तभी भक्ति करते हैं। अगर सत्संग में नहीं जुड़ेंगे ना संतों के साथ में, हमें कौन उत्साह देगा, कौन प्रेरणा देगा भजन के लिए? इसलिए कहते भैया सत्संग जरूर हमें करनी चाहिए। भक्तों के साथ में जुड़े रहोगे ना, हर समय फलते फूलते रहोगे, एकदम फलते फूलते रहोगे, खूब आनंद में रहोगे। इसलिए श्री नारद जी कहते सब कुछ भक्तों के साथ में जोड़ करके सब कुछ काम करो। और विशेष एक काम के लिए बताते हैं, क्या करो? भगवान के नाम जप करो। बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुतचित उच्चै। इसलिए क्या करो? भगवान के नाम को जप करनी चाहिए। देखो लेकिन आश्चर्य की बात है, एक उदाहरण देते हैं। आप लोगों ने मिश्री खाए हो? कौन कौन जिंदगी में कभी मिश्री खाए? हाथ उठाओ, सब खाए हो। आप बताओ तो मिश्री कैसे लगती है? मीठी। एक प्रश्न करता हूँ, कौन उत्तर देता है देखूंगा। लेकिन किस किस को मिश्री भी कड़वी लगती है? आप बता सकते हो मिश्री किसको कड़वा लगता है? कौन बोलेगा हाथ उठाए? इतना बोल नहीं सकते हो भैया। मिश्री किसको कड़वा लगता है इतना नहीं बोल सकते। आप जितना जिसको पीलिया हो जाए, जंडी सी हो जाए, देखना वो जो कुछ खाएगा उसको कड़वा लगेगा। लेकिन क्या मिश्री कड़वी ना, मिश्री मीठी है, मीठी है ना, उसको बीमारी। कहते उसी तरह जो भगवान का नाम है, कहते मधुरम मधुरम मेतत, भगवान का नाम मधुर से भी मधुर है, मीठी से भी मीठी। लेकिन अभी हमें ये कड़वा लगता है, बोले कारण है हमें बीमारी हो गई। कौन सा बीमारी? भाव रोग की बीमारी। हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह की बीमारी हो गई। इसलिए भगवान का जो नाम है अभी मीठा नहीं लगता है। फिर क्या करना पड़ेगा? देखो इसको उपाय क्या है। जैसे जब पहले कोई इतना दवा भरा नहीं होता था, जब डॉक्टर के पास में जाते थे, डॉक्टर बोलते देख बेटा मिश्री तुम चूसा करो। लेकिन मिश्री तो मीठा दे, तुमको मीठा नहीं लग गया, कड़वी लगेगी। लेकिन छोड़ना नहीं, चूसते रहना। चूसते चूसते क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी नष्ट होती जाएगी, जितने मिश्री चूसोगे। फिर देखना वो मिश्री जब मीठी लगने लग जाए, समझना तुम्हारी बीमारी सही होगी। कहते उसी तरह भगवान का नाम से इतना मीठा दुनिया में कुछ है नहीं। लेकिन अभी ठाकुर का नाम लेने के लिए बोलो नींद आई, लेकिन टीवी देखो तीन तीन घंटा बैठ कर देखो, लेकिन प्रभु का नाम में 10 मिनट भी समय नहीं दे सकते, हमको बीमारी है। फिर क्या करना पड़ेगा? कहते उपाय क्या है? बोले मीठी नहीं लगने पर भी जोर जबरदस्ती बैठो और माला लेकर के भगवान का नाम तो करो, भगवान के नाम करो। करते करते क्या होगा? हमारे जितने अपराध, जितने अनर्थ, जितने पाप जब खत्म हो जाएगी, फिर भगवान का नाम इतनी मीठी लगने लग जाएगी, दुनिया छूट जाएगा, लेकिन प्रभु का नाम नहीं छूटेगा। इसलिए कहते कलयुग में क्या करो? भगवान के नाम को जप करो, ये सबसे बड़ा साधन है। इसलिए नियम है, जैसे आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी, नियम है कथा से कुछ लो और कथा से कुछ दो। क्या करोगे? कुछ लोगे और कुछ दोगे। बोले भैया दे किया और ले किया? बोले जितने गंदी चीज वही छोड़ कर चले जाओ, दे करके जाओ। बोले ले करके किया जाओ, ठाकुर का भक्ति लो, ठाकुर जी की प्रेम लेकर के यहाँ से जाओ। इसलिए ठाकुर जी के प्रेम में किया सबसे श्रेष्ठ भागवत का सार किया। अब देखो भागवत जब शुरुआत हुई ना, वो ठाकुर का नाम से शुरुआत हुई, और जो खत्म हुई ठाकुर का नाम से खत्म हुई। मतलब ये भागवत का जो सार है वो ठाकुर जी का नाम ही भागवत का सार है। अगर किसी ने ये भागवत सुन करके अपना जीवन में ठाकुर का नाम को अगर किसी ने जीवन में उतार दिया ना, समझना पूरी भागवत तुम्हारी समझना। अगर पूरी भागवत कथा सुने लेकिन ठाकुर जी का नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई, कहते तुम आया और गया कुछ लिया, तुमको पल्ले में कुछ बड़ा नहीं। इसलिए जो भागवत कथा सुने, कितना दिन तक सुने हमें? 7 दिन तक। बोले 7 दिन तक क्यों कथा सुने? ये 8 दिन क्यों नहीं? ये 9 दिन क्यों नहीं? 10 दिन क्यों नहीं? ये 7 दिन ही क्यों कथा सुने? देखो इसकी कथा सुन लो, आज इनकी घर में कथा सुना रहा था, अच्छे तरह से सुन लो और इसको याद कर लेना, दूसरों को भी सुनाया करना, ठीक है? हम लोग ने 7 दिन तक क्यों सुने, 8-9 दिन क्यों नहीं सुने? बोले एक समय कोई एक संत किसी राजा से मिलने के लिए आए। जब किसी राजा से मिलने के लिए आए, उस समय में राजा ने राज कार्य में बिजी था। इतने में
विजित था तो संत आकर के दरबार को बोले बोले अंदर में क्या राजा है बोले है बोले उनको थोड़ा बताओ कोई आपसे मिलने के लिए आए। लेकिन राजा राज कार्य में बिजी था, उसने सोचा बाबा लोग क्यों आए, होगा कुछ पैसा लेने के लिए, कुछ भिक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने 1101 रुपया भेज दिया बोले इसको संतों को दे देना। लेकिन संत पैसा नहीं लिए ही नहीं बोले मैं पैसा लेने नहीं, मैं तो केवल कोई विशेष काम को लेकर के आया हूँ, राजा से बोलो 1 मिनट के बोले बात करना चाहता हूँ। राजा सोचा मन नहीं भरा, उन्होंने 2101 रुपया भेज दिया, तभी संत नहीं लिया। फिर उन्होंने 5101 रुपया भेज दिया, संत लिए ही नहीं। बोले राजा को बोलो 1 मिनट में केवल मिलना चाहता हूँ। राजा ने इनकार कर दिया, बोले बाबा को बोल दो राजा बड़े राज कार्य में बिजी, उनके पास समय नहीं। राजा दुखी होकर के रानी को पास में गए, वहां पर कोई दासी थी, बोले अंदर में राज रानी क्या है बोले है, बोले उनको बोलो कोई संत 1 मिनट बात करना चाहते कोई जरूरी काम। रानी सुनते ही बोले संत है, घर में बुला कर ले, बड़े आदर पूर्वक अंदर में लेकर के बैठाए, उनके चरण धोए, बोले बाबा बताओ क्या सेवा करें। बोले महारानी आप ध्यान से सुनो, मैं कोई जरूरी काम लेकर के आया, राजा से मिलने गया था लेकिन राजा हमसे मिले ही। बोले मेरे को बताओ मैं सेवा कर दूंगी। बोले आप ध्यान दे मेरे सुनो, मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा ये जो राजा है ना ये 7 दिन में मरने वाला है। कितना दिन में मरने वाला, अभी अभी नई घर में बहू आई है, अभी अभी शादी हुई। अगर कोई बोल दे तेरे पति 7 दिन में मर जाएगा बता क्या होगा, वो तो सुनकर घबरा गई। बोले क्या बोल रहे, बोले हाँ बोले सच बोले ध्रुव सत्य है, मैं अपना भजन को द्वारा मैंने देखा है। बोले इतना बात राजा को बोल देना, मैं बोलना चाह रहा था। वहां से चले गए, रानी इतनी घबरा गई, उन्होंने एक दासी को बोले बोले अभी अभी जाओ राजा को बोलो अभी अभी रानी आपको कोई जरूरी काम के लिए बुला रही है, जरूरी काम के लिए बुला रही है। ये बच्चे राधा कृष्ण बने थे ना, हरे कृष्णा हरि बोल पीछे बने थे, इसलिए अभी राजा को जा करके दासी बोली रानी अभी अभी आपको याद कर रही कोई जरूरी काम। देखो कोई संत मिलने के लिए आया था लेकिन राजा को पास में 1 मिनट भी समय नहीं हुआ। लेकिन जब सुना मेरे को पत्नी रानी बुला रही ना, राजा तो भागते भागते आए, रानी भागते भागते आए, बोले महारानी क्या हो गया, क्या जरूरी काम पड़ गई, बोले आपको पास में कोई संत मिलने गए थे, बोले हाँ, बोले आपने मिले, बोले मैं बिजी था काम में। बोले महाराज कहते जब ठाकुर की विशेष कृपा हो, कहते अति हरि कृपा जहां पर हुई, ठाकुर जी की विशेष कृपा जिसको ऊपर में आए तभी जीवन में कोई सतपुरुष संत दर्शन मिलता है। कोई संत आए तो आपके पास में समय नहीं था, और मैंने बुलाया तो भागते भागते आ गए, बोले बताओ तो बात किया, बोले बात तो बड़ी गहरा बात है, बोले बोलो, बोले संत ने बताया आप 7 दिन में मरने वाले हो। कितने दिन में, राजा जब सुना मैं 7 दिन में मरने वाला, बोले बात सही, बोले ये ध्रुव सत्य है, वो अपना दिव्य दृष्टि से देखा राजा तो आधा ही मर गया। सुनते ही 7 दिन में रात पाठ छोड़ना पड़ेगा, अभी अभी नई घर में रानी अभी अभी शादी करके लाई है। राजा तो डर गए, बोले बाबा कहाँ गए, बोले चले गए, बोले बाबा को जल्द जल्दी बुलाओ, आदर करके बुला करके लाए, बोले बाबा आप बोले मैं 7 दिन में मरने वाला, बोले हाँ, बोले क्या सच, बोले ध्रुव सत्य है, 7 दिन में मर, बहुत घबरा है, बोले घबराओ मत, आपने बहुत दान पुण्य किया है इसलिए आपके लिए अक्षय स्वर्ग प्राप्ति होगी। बोले स्वर्ग मिलेगा, बोले हाँ, बोले महाराज वहां पर सब चीज की सुविधा लेकिन एक चीज की कमी नहीं, बोले किस चीज की, बोले वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, जब रात को सो गए वो मच्छर काटते रहेंगे। बोले फिर, बोले चिंता मत करो वहां मच्छर दान का व्यवस्था, लेकिन एक चीज की कमी नहीं, किस चीज की, बोले उसकी कोने में ना एक छोटा सा छेद है उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर, बोले जब आप मरोगे काम करना याद करके यहाँ से एक सुई धागा ले जाना और उसको सिलाई करोगे ना बस चैन की नहीं जाएगी। बोले महाराज मरते समय आप कह रहे हो सुई धागा ले जाने के लिए, बोले हाँ, बोले जब मरते समय तो यही सब कुछ छोड़ करके जाएंगे, एक सुई धागा कैसे ले जाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारी इतना बड़ा राज्य है, कोई संत आए तो तेरे पास में 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलने के लिए, हाँ तुम कहते हो एक सुई धागा यहाँ भी ले नहीं सकते हो। बोले दुनिया नहीं ले सकता, मैं क्या नहीं ले सकता। बोले महाराज आपको मैं इतनी सी बात समझाना चाह रहा था, आप जब ये शरीर छोड़ोगे ना
यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में जाने वाले नहीं। बोले महाराज ये बताओ, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जब चार व्यक्ति उसको कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात उठा, यही बोलते हैं ना। बोले इसका मतलब क्या है? बोले जितने जीवन में राम का नाम कृष्ण का नाम लिया, वही सत्य जगत में सब झूठा। बोले महाराज ये बताओ, आप सत्य के लिए कितने समय दे रहे हो और झूठे के लिए कितने समय दे रहे हो? मैं केवल आपकी इतनी सी बात समझाने आया था, अब अंतिम समय में आपके साथ में एक सुई धागा भी नहीं जाएगी। जितने भगवान के नाम जप कर रहे हो, भगवान की भजन करते हो, केवल वही जाएगा। बोले महाराज ध्यान देकर सुना, आप भी ध्यान देकर सुना। बोले मैंने ये नहीं बताया था सात दिन बाद में मर जाओगे, क्या बताया था? सात दिनों में मरोगे। इसका मतलब क्या है? दिन सात ही, दिन आठ कभी नहीं होता है। आठ होता है दिन, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, कितना दिन हो गया? आठ दिन। जब हम मरेंगे ये आठ दिन में एक ना एक दिन हम मरेंगे, एक ना एक दिन मरेंगे, लेकिन जब मरेंगे हमारे साथ में सुई धागा भी नहीं जाएगी। केवल जितने प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, इसलिए मीरा कहती है ना, पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, कष्टो मेरे ये मीरा की भजन आप लोग सब गाते होंगे। मीरा कहती है, भैया जीवन में मिला तो मिला तुमको क्या? बोले जितने प्रभु का नाम लिया वही मिला, और जगह में सवाई वायो। इसलिए बोले जब उन्होंने ये बात बताई, राजा क्या पहले सोच रहा था? सात दिन में मर जाऊंगा। बोले सात दिन ही खत्म होते ही मर जाऊंगा, लेकिन जब पता चला सात दिन खत्म होते ही नहीं मरोगे तुम, दिन सात है, जब मरोगे सात दिन के अंदर में मरोगे, सात दिन के बाद में नहीं मरोगे, तो ये बात पता चला ना, राजा को जान दोबारा गया, वो दो बार जिंदा हो गया। क्यों? सोच रहा था ना सात दिन बाद में मर जाएगा। फिर देखो वो संत ने राजा को क्या दिया है, उन्होंने देखो मेरे तरफ में यही उन्होंने माला पकड़ाया। बोले महाराज यही धन ही तुम्हारे साथ में जाने वाले हैं, और कोई धन भी यहाँ काम में नहीं आएगा। हम जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना, भैया थोड़ा प्रभु का हरिनाम करो, लेकिन लोग क्या कहते हैं? बोले बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमा कर जाऊ ना। मेरे गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए पैसा मत कमाया करो। बोले क्यों? बोले बच्चा अगर हो ना होगा कमा ही लेगा, अगर वो नालायक बनेगा ना, जितने पैसा तुम कमा करके जा रहे हो जुआ खेल करके, शराब दारू पी करके सब बर्बाद करेगा। किसके घर में ज्यादा बच्चा बिगड़ते हैं? अब देख लेना, जिसके घर में जितने ज्यादा पैसा उसी बच्चे को परिवार उतना बिगड़ते हुए देखोगे, उतना बिगड़ते हुए देखोगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे, भैया ऐसे धन कमाओ जो धन इसी जीवन में भी तो धनी उसी की बनोगे, अगले जीवन में ब्याज समेत वो धन जाएगा तुम्हारे साथ में, उसको कोई भी नहीं ले सकता है। वो कौन सा धन है? इसलिए मीरा कहती है, चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बड़त सवाय, पाए जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए ये धन को अगर इसको पत्नी कमाएगा तो उसको पति नहीं ले सकता है, जिसको बच्चे कमाएगा तो पिता माता नहीं ले सकते हैं, जो कमाएगा इसी जीवन में आप ही इसके मालिक बनोगे, और अगले जीवन में पूरा के पूरा ये ब्याज समेत तुमको मिलेगी, इसको कोई ले नहीं सकते हैं। इसलिए मीरा कहती, भैया ये धन में धनी बनो, और इसी धन में जो धनी बने हैं ना, मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली, राम नाम के लिए मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के लिए मोती
जानते हो ये मीरा कहती हैं ये धन को जो लूटे ना उसको बड़े बड़े धनी हो गए। बोले कौन? बोले हनुमान जी को देखो, जगत में पूजा हो रही है, मीरा बाई को देखो, तुलसीदास को देखो, हैं ये लोग जगत में पूजा हो रही कि नहीं इनकी? बोले क्यों? इन लोगों ने यही धन को लूटे। लेकिन हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम दुनिया में कोई ले रहे? बोलो, हमारी मैया की मैया की मैया के नाम दुनिया में कोई ले रहे? लेकिन मीरा का नाम ले रहे। क्यों? इन लोगों ने यही धन को लूटे। लेकिन हमारे पिताजी के पिताजी का नाम क्यों नहीं ले रहे? केवल जगत का पैसा लूटते लूटते खत्म मर गया, इसलिए कोई इनको पूछ नहीं रहे। अगर आप चाहते हो दुनिया में सबसे बड़ा बनना चाहते हो ना, भगवान के नाम धन को लूट करके बड़े बनो। हीरो हीरोइन बन करके नहीं। आप देखो 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी उनका कोई जगत में पूजा हो रही क्या? लेकिन हनुमान का नाम अमर हो गया कि नहीं? मीरा जी नाम भगवान के नाम धन पर लूटे हैं। इसलिए भागवत का जो सार है ना, ये ठाकुर जी का नाम है। अगर आप जीवन में बड़े बनना चाहते हो क्या करो? भगवान के नाम को जप करो। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप लोग जाते समय ना, यहाँ तो लगता है हमारे बहुत सारे भक्त लोग हैं जिनके पास में माला नहीं है। आप कोशिश करना जाते समय एक एक माला देना, वो एक एक माला लेकर के जाना। ठीक है, और इसको आप भी जप करो, परिवार को जप कराओ, बच्चों को भी जप कराओगे, बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा। आप भी जप करोगे, घर में भगवान का धाम आ जाएगा, जिस घर में हरिनाम हो। ठीक है, बोलो श्री हरिनाम संकीर्तन की। कभी ये चीज लेना, दूसरा चीज लेना है आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखो। कल एकादशी है, है? एकादशी की सबसे ज्यादा महत्व एकादशी की। भागवत में देखना कोई बाहर व्रत नहीं है, एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब है जैसे आप लोग कोई सोमवार करते होंगे, मंगलवार करते होंगे, अलग अलग व्रत सब माताएं करती हैं। लेकिन ये एकादशी व्रत ऐसे के व्रत है जो व्रत करने से अलग अलग, जो व्रत अलग अलग देवादेव के लिए, देवादेव तो हमारे 33 करोड़ देवता, कितने को मनाओगे? एक मनाओ दूसरे मुंह फुला कर बैठा, तीसरे को मनाओ चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा। लेकिन एकादशी ऐसे के व्रत है, और एकादशी व्रत जो कर लेता है ना, सारे व्रत हो जाते हैं। क्योंकि एकादशी व्रत का अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण राम और नारायण है। कहते ना, जहां पर कृपा हरि की वही तहां पर कृपा करे सब कोई। एकादशी को बताए कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब होता है एकादशी करके आप जो मांगोगे ना, इसको घर में एकादशी व्रत की कथा है, ग्रंथ है। हाथ उठा तो किसके पास में, किसकी घर में एकादशी व्रत की ग्रंथ है? आप कहीं मिले तो पढ़ना। देखो, एक एकादशी का नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जिनके घर में संतान संतति नहीं, पुत्र नहीं, उनकी अगर ये एकादशी करे तो घर में पुत्र जन्म लेता है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, पढ़ करके देख लेना। इंदिरा मतलब लक्ष्मी। जिनको घर में पैसा की कमी है, लक्ष्मी की कमी है, वो एकादशी करे तो घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम है पापमोचनी, जिसको करने से जीवन का सब पाप नष्ट हो जाता है। आप लोग देखना, कोई व्यक्ति साल साल से पड़ा हुआ बिस्तर में, शरीर नहीं छूट रहा है, बड़ा कष्ट पा रहे हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, इनकी सदगति जल्दी जल्दी कैसे होगा? देखना, वो कोई व्रत का नाम नहीं बताएगा, एक व्रत का नाम लेगा। बोले कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकता?
केवल एक व्रत का नाम बताया, एकादशी व्रत के इतने महिमा मैं अपना जीवन में देखा। मैं विदेश जाता हूँ, मैं यूरोप गया था, एक व्यक्ति दो साल से हॉस्पिटल पड़ा हुआ था, शरीर हड्डी हड्डी रह गया था, प्राण इसको गले में अटक गया था, किसी तरह से मरे नहीं, इतने पैसा खर्चा हो रहा था। उनको पता चला भारत से कोई एक संत आए, मेरे को बुला करके हॉस्पिटल में ले गए। बोले बाबा पिताजी का दुख देखा नहीं जा, दो साल से हॉस्पिटल में पड़े हुए, पानी तरह जैसे पैसा बह रहे, आप किसी उपाय बताओ। मैंने कहा एक काम करो, आप पूरा के पूरा परिवार लोग एकादशी व्रत करके उनको फल दे देना। बोले 10 दिन बाकी अभी एकादशी, बोले एक काम करो, मैं सबका हाथ में पानी दिया, फूल दिया, बोले संकल्प करो घर का परिवार लोग हमें एकादशी व्रत कर फल देंगे। वहां संकल्प किया, मैं जब वहां से घर में आया ना, फोन आया, पिताजी सदगत हो गए, पिताजी की शरीर छूट गया। आप स्वयं ये चीज कर देख लेना इतने महिमा। इसलिए भागवत में कोई सोमवार का मंगलवार कोई व्रत का नाम नहीं, पढ़ करके देख लिया, केवल एक एकादशी कथा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं नहीं विधवा करती है सदावा नहीं। अब शास्त्र पढ़ करके देखना, ये जो रुक्मिणी सत्यभामा, इन लोगों ने एकादशी व्रत करने का नाते अगली जीवन में कृष्ण पति बने। सबसे जो बड़ी एकादशी बताओ तो कौन सा एकादशी? पांडव निर्जला, जिसको पांडव द्रौपदी को साथ, द्रौपदी का विधवा थी। भागवत पढ़ करके देखो, अंबरीश महाराज एकादशी व्रत थी, नंद जसोदा एकादशी व्रत किया, कृष्ण बेटा बन कर क्या है। फिर लोग कहते भैया इसका उद्यापना करना पड़ता है, उद्यापना में बहुत पैसा नहीं, भक्ति जगत में कोई उद्यापना का नाम नहीं। जब तक समर्थ तब तक करो, समर्थ नहीं छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, और कभी भी एकादशी व्रत का उठा सकते हो। इसलिए एकादशी का दिन अन्न भोजन भी करनी चाहिए, जैसे आप लोग नवरात्रि रखते ना, फल फूल कुटुकी आटा फ्रूट क्रीम, कितना फल ड्राई फ्रूट दूध दही खाने के लिए बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीजें एकादशी के दिन खाने के लिए। इसलिए जरूर आप लोग एकादशी व्रत को जरूर करो, एकादशी व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम ये एकादशी व्रत से ही प्राप्त होता है। दूसरी चीज, हर घर में ठाकुर की जरूर पूजा हो। किसको किसको घर में ठाकुर जी है, हाथ उठाओ तो, कौन कौन इस घर में ठाकुर जी, गोपाल हो कृष्ण हो, जरूर भगवान कृष्ण होनी चाहिए, भगवान राम जरूर होनी चाहिए। इसलिए जिनकी घर में ठाकुर की पूजा होता है ना, क्या उसका घर ही वृंदावन है उसकी घर। इसलिए घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए, कहते ना चलो वृंदावन चलो बांके भी है, क्यों वृंदा मतलब तुलसी, बन मतलब बन, जहाँ तुलसी की बन वही ठाकुर जी है। हर घर में तुलसी की वृक्ष जरूर होनी चाहिए। किसको किसको घर में तुलसी वृक्ष है, हाँ जिनको घर में नहीं, अब जरूर तुलसी वृक्ष लगाओ। आपको पता होगा ये तुलसी को साथ में सालक राम की शादी होती है, ये तुलसी लक्ष्मी है। अब देख लेना एक चीज को, जिसके घर में तुलसी जितने सुंदर होता है, देखना उसके घर में माल उतना जब भी आए, अब स्वयं देख लेना। अब किसी किसी घर में तुलसी होती ही नहीं, देखना मर जाती है, किसी किसी घर कार में क्या है, ये अच्छी चीज नहीं है। आप देख लेना जिसको घर में जितने सुंदर तुलसी, क्यों लक्ष्मी है ना, देखना सालक राम के साथ में तुलसी की शादी होती है। अब तुलसी सेवा से भक्ति बढ़ती है, ठाकुर के चरण में प्रेम मिलता है। हनुमान जी जब लंका में गए थे, क्या देख करके लंका में उतरते, तुलसी वृक्ष देख करके उतरते, केवल तुलसी वृक्ष देख करके हनुमान जी समझे कोई लगता है कोई भगवान की भक्त है यहाँ पर। अगर तुलसी हनुमान जी तुम्हारे घर में आएंगे, इसमें जरूर ये तुलसी वृक्ष होनी चाहिए। और प्रभु जी बोल रहे थे ना, गले में तुलसी कंठी जरूर धारण करो, क्योंकि जिनकी घर में तुलसी कंठी है, जम स्वयं कहते हैं जम दूत को, जिसकी गले में तुलसी कंठी देखना भगवान की भक्त समझ लेना, उनको मेरे पास में मत लाना है, समझे भगवान की भक्ति करने वाले जिसकी गले में तुलसी कंठी है। इसलिए जो तुलसी कंठी है ना, इसमें इतने मेडिसिन है, कहते 200 बीमारी की प्रतिशत तो मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। इसलिए अभी जो कोरोना रामदेव का कोरोना निकला था ना, पढ़ करके देखो, उसमें 90% तुलसी, केवल 10% दूसरे दूसरे मेडिसिन। अगर गले में तुलसी कंठी स्नान किया ना, पानी सारा शरीर में जाएगी, बीमारी अपनी आप निकल जाएगी, अपनी आप निकल जाएगी। ये इतनी शक्ति, जिसके गले में तुलसी कंठी स्नान किया, इसका पानी गया। शास्त्र कहता है पृथ्वी का सारे तीर्थ में बैठी बैठ कर नहा लिया तुमने इतने। इसलिए जिसके गले में तुलसी कंठी, जब महाराज कहते हैं खबरदार को जमकर नहीं लाना, पता चलेगा कि ठाकुर जी की भाग्य विहार की भक्त है। एक उदाहरण देकर बताए, बोले देखो जमदूत कह रहे हैं,
बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं बोलो जोर से। कहते एक पालतू कुत्ता एक फालतू कुत्ता। कहते पालतू कुत्ता कैसे पता चलता है, गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसका कुत्ते। और फालतू कुत्ते कौन है, कहते जो रोड रोड में घूमते हैं। आप देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर गले में तुलसी गठी है ना, हम श्री बांके बिहारी जी की पालतू है भैया, हमें जब दुख नहीं ले जाएगा, इसलिए गले में जरूर तुलसी की कट्टी धारण करनी चाहिए और ठाकुर को सेवा पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और एक चीज है, सारी गंदी चीज को छोड़ो, पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, दूसरे नंबर में कोई नशीली वस्तु मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग, और चौथे तीज मांस मछली अंडा प्याज लहसुन को मत खाया करो। बस अगर इतनी चीज को धारण कर लिया और थोड़ी सी भगवान का नाम जप कर लिया ना, बड़ा पार हो जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ देखो इनकी घर में जो भागवत कथा हुई ना, नीरज ब्रह्म कहाँ गए, नीरज जी है यहाँ पर, नीरज इन्होंने बहुत कष्ट किया है। वो सोच रहे थे हरि मंदिर में कथा हो, लेकिन वहां पर आते से दिया 25 लोग से ज्यादा एकत्र नहीं कर सकते। बोले भैया भागवत कथा हो तो ज्यादा लोग आएंगे, पता नहीं कोई पुलिस को पास में रिपोर्ट कर देगा, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ घर जो ना इनका रूम बना हुआ था, ये रूम बना हुआ था, उन्होंने दीवार को तोड़ दिया। बोले नहीं कब हम घर में कथा करेंगे, क्योंकि इसलिए कहते बहुत परिश्रम कर दिन रात बराबर करके उन्होंने इसको दीवार तोड़ कर बोलने कथा हमारी घर में हो। और जिस घर में कथा हो ना, शास्त्र कहता है पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ गए, सारे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अयोध्या सारे तीर्थ उसी घर में आ गए। इसलिए दिन रात बराबर करके बोले महाराज मेरे प्यार में लग गया, उसमें फूट गया, फूल निकला, लेकिन मैं छोड़ा नहीं। बोले नहीं भागवत कथा से पहले हम उसके हल घर बना देंगे, हमारे घर में भागवत कथा हो। इसलिए उन्होंने इतने परिश्रम करके हल घर बनाए, और जिस घर में सात सात दिन तक कथा हुई, इतने लोग लाभान्वित हुए हैं, इसका फल किसको मिलेगा जिसकी घर में कथा हो रही है। इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजा भी देंगे। गुरु जी के बड़े शिष्य थे, इन्होंने गुरु जी की बड़ी उन्होंने सेवा की, एकदम तन मन धन से उसने सेवा की, अभी भी उन्होंने गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। और ये इनका है ना, कहते एक तो पत्नी है और इनकी कहते इनकी दो साली है, कितने साली है, हाँ इधर बात सुनो, हरे कृष्ण, कहते इनकी ये बच्चे को ले जा बाहर, इसलिए उनको बोले उनकी और दो सालियां हैं, इन लोगों ने दिन रात ये लोग लग करके हम लोग प्रसाद क्या पाएंगे, कहाँ पर क्या करेंगे, इन्होंने अपना अपना घर में भी उन्होंने प्रोग्राम भी अपना अपना घर में कराया है, अपना घर में प्रोग्राम कर, इनका जो सालियों घर में तो किया है, और किसको घर में, इनका जो ससुर है, हाँ इनके ससुर उनके घर में भी, इनका पूरा इनकी बेटी इनकी बच्चे सबके सब भजन करते हैं। देखो इनका सब बच्चे सब बैठे हुए सबके सब गले में घंटी तुलसी माला तिलक, इनके पूरा परिवार में भागवत कहता है किसी परिवार में एक अगर वैष्णव हो गया, वैष्णव होनी चाहिए, सांत नहीं सौर नहीं, वैष्णव धर्म में दीक्षित होनी चाहिए, अगर एक व्यक्ति हो गया ना उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। भगवान खुद कहते हैं पूर्व पुरुष नाचना शुरू कर देते, अहो भाग्य हमारे घर में इतने भक्त जन्म हुए हैं, 21 पीढ़ी उधार हो जाती है, जो पिता माता जन्म देते हैं उनका भी जीवन धन्य हो जाती है। इसलिए इनको आप इनके पूरा परिवार के लिए, इनकी सास ससुर बेटी साली इनके लिए सबके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाओ। इन लोगों ने हर तरह से उन्होंने सेवा किया है, हर तरह से सेवा किया। और जम्मू के हमारे कुछ कुछ भक्तों ने जैसे सत्य प्रभु आपका नाम किया है प्रभु जी रवि, और वहां पर जो पीछे बैठे हुए, और यहाँ पर हमारे कुछ भक्त लोग हैं, इन लोगों ने भी भागवत में जथा साध्य है, इन लोगों ने भी सेवा किया है। और सत्यराज ब्रह्म तो गाड़ी दे दिया, गाड़ी सत्यों की सेवा के लिए इनकी घर दान, और इनके घर में रुकने का इनके घर में था, लेकिन इनके माता जी शरीर ही छोड़ चुके थे, इसलिए घर में नहीं रुक पाया, लेकिन इनके घर में रुकने का भी था। इसलिए यहाँ पर कोई तन से कोई मन से हर तरह से जिन लोगों ने सेवा की, हम गुरु जी से भागवत से प्रार्थना करते हैं,
ठाकुर जी इनको भक्ति और प्रेम दो और इनके जीवन में खूब सुख शांति दो, खूब फलते फूलते रहे। अब इनके लिए भी जोरदार तालियां हम लोगों का। और भागवत कथा में आप लोग जो आए हो, भागवत कथा में आप लोग जो आए हो सुनने के लिए, देखो अगर ये घर की व्यवस्था हो जाए, मैं भी आ गया, सब कोई आए, लेकिन अगर आप लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते फिर ये क्या कथा हो पाती? अगर सुखदेव गोस्वामी भी हो जाते, परीक्षित नहीं होते, फिर क्या कथा हो सकती थी? नहीं। इसलिए जो आप लोग कथा सुनने के लिए आए ना, आप सब परीक्षित, आप लोग सब परीक्षित महाराज जी, साधारण भाग्य से नहीं आए। शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही यह संगत सोई। शंकर जी कहते पार्वती जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की पुण्य उदय हुआ वही व्यक्ति ही कथा में आए हैं। इसलिए आप लोग अपना घर में एसी में बैठ कर रहते कितना आनंद होता, यहाँ पर गरीब में बैठ करके आप लोग ने इतना कष्ट सहकर कथा सुने हो, इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार खड़े हो जाए जोर से। और कभी की कथा में हमारे साथ में जो कलाकार लोग आए, हमारे जो श्याम बाबू जी जो ब्रजवासी, ये ब्रज में जन्म हुए हैं, जहाँ पर बलदेव पर अपने गंधवा से कुमारी ब्रज में, इसलिए आप लोगों ने देखा कितने सुंदर भजन गा रहे थे, अंगुली के ऊपर आप नचा रहे थे ना, इंग्लिश अंगुली चलते ही आप लोग सब नाच रहे थे सबके सब। आप और हमारे श्रीदाम भैया जो ढोलकी बजाती हर समय ही हमारे साथ में रहता है, और श्रीकांत प्रभु जो पैड बजा रहे थे ये हर समय ये लोग हमारे साथ में रहते हैं, हर तरह से ये लोग सेवा करते हैं। अब इनके लिए भी जोरदार तालियां। और जबकि ये भागवत कथा में हमारे मायकी वाले भैया बहुत अच्छे सज्जन है, यहाँ पर भी ये लोग तीन तीन घंटा चलो मायकी बजाय ऐसे बात नहीं, इन लोगों ने कथा भी ध्यान से सुनी है, इसलिए अगर मायकी नहीं होता भैया गला थमर बैठ जाता। इसलिए और ये कथा में कहते हमारे श्री हमारे जो प्रभु लोग थे बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाए, मैं सोच रहा था वो भी कथा सुनाए लेकिन आज समय नहीं था। हमारे श्री श्यामानंद प्रभु जी और श्री हमारे गौर सुंदर प्रभु जी और हमारे मधुकंड प्रभु जी हैं, इन लोगों ने आप लोगों ने सुने, इन लोगों ने कितने सुंदर सुंदर ठाकुर जी की कथा सुनाए। इसलिए आप ये सब बच्चे लोग हैं, अभी इन लोगों ने नए नए सब बच्चे लग आए हैं, लेकिन इन लोगों ने अच्छे सब घर के अभी जो बैठा ये आडो में ये अभी नौकरी करता था करके 1,00,000 रुपया इसका तरीका था, और ये श्यामानंद था वो बीटेक करके आया है, और एक था जो उसने सारे डॉक्टरी करके आया है, जो तीनों बच्चे कथा सुना रहे थे। लेकिन आप लोग माया बहुत प्रबल है, बहुत ही प्रबल है, आप लोग ये काम कर ये तीनों बच्चों को आप पर आशीर्वाद दो, जैसे ये तीनों बच्चे सारा जीवन गुरु वैष्णव की आनुगत्य में रहकर के भजन कर सके, आप इनके लिए भी आशीर्वाद दो सबके सबका। और हमारे यहाँ पर श्री कृष्णदास महाराज जी कहाँ गए? कृष्णदास महाराज ये कृष्णदास प्रभु जी कथा सुना रहे हैं ना बैठी करके, ये कृष्णदास प्रभु जी ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, करीब 15 साल पहले इनके 1,00,000 रुपया तनखा थी, अभी तो 3-4 लाख रुपया हो जाते हैं। ये ब्राह्मण घर के होते, ब्राह्मण घर के बड़े नौकरी छोड़ करके अपना घर द्वार छोड़ कर उन्होंने, हाँ ये प्रभु जी हमारे कृष्णदास प्रभु जी ये बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, ये इनकी जो कथा है ना, इनकी कथा ये सेवा कर सके इनके लिए आप आशीर्वाद हो। यहाँ पर हमारे श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का शिष्य है, ये लोग भी यहाँ पर आते हैं, ये हमारी गुरु परंपरा की जुड़े हुए हैं, सब के सब भक्ति वल्लभ तीर्थ हमारे गुरुवर में लगते हैं। सबसे पहले तीर्थ भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज आए, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर आकर के करीब 20 साल पहले उन्होंने आकर के ये भक्ति धारा को मतलब गौड़ीय धारा को इन्होंने ही यहाँ पर सबसे पहले लाए, और धीरे धीरे हमारे सत्य राज प्रभु जी ये हमारे भक्ति प्रभु पुरी गोस्वामी महाराज के पास में आए, गुरु जी के पास में, फिर धीरे 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 भक्तों को यहाँ पर हमारे भक्तों उन लोग ने यहाँ पर जुड़े हैं। इसलिए आप लोग ये सभी लोग के लिए ताली बजाओ, ये सब लोग भक्ति करें प्रचार करें, और खूब हम चाहते हैं पूरा जो जम्बू है ये आप लोग जो जन्म यहाँ पर हुए ना बड़े भाग्यवान हो, यहाँ पर जम्बावती का स्थान है,
यहाँ पर कृष्ण स्वयं श्यमंत का मणि लेने के लिए कृष्ण यहीं पर आए थे, ये बलदेव प्रभु का मंदिर भी है, और भैया भी यहाँ पर आए, इसलिए जो ये ना धाम है, ठाकुर जी यहाँ पर आए, इसलिए आप लोग को अंदर भी इतनी भक्ति की भावना है, इसलिए आप लोग भी भक्त हो। हम चाहते हैं ये भक्ति की धारा ऐसे बहते हुए रहे, घर घर में भगवान का धाम बन जाए, हम यही चाहते हैं। और एक काम कर सकते हो आप नीरज भैया, कोशिश करना हर एकादशी में, संडे संडे, इसलिए कहते हैं हर संडे संडे, अगर दो बार दो संडे के बाद में हो, इसलिए आप लोग अपना फोन नंबर और नाम दे कर जाना, यहाँ पर लिख लेना सबको, क्योंकि जैसे अभी कथा सुनी हृदय में थोड़ी भावना आई भजन करने की, लेकिन जब हम चले जाएंगे ना फिर धीरे धीरे भावना नीचे आ जाएगी। जैसे गामला में एक पौधा जैसे तुलसी, ये पानी देंगे तो ये हरी भरी रहेगी, अगर पानी नहीं देगा तो क्या होगा, दो दिन बाद फिर सूख जाएगी, हैं? फिर ये सूख जाएगी। हम चाहते हैं यहाँ पर 15 दिन में एक बार यहाँ पर सत्संग हो, संडे संडे को आप लोग जरूर यहाँ पर आया करो, और इनकी समर्थ के अनुरूप ये कोशिश करेगी थोड़ी सत्संग कीर्तन होगा और ये थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाएंगे, फिर आपकी भक्ति की भावना धीरे 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 भक्ति की भावना बढ़ते रहे, ठीक है? इसलिए हम लोग चाहते हैं भक्ति भावना बढ़ते रहे। इसलिए आज भी एक भक्तों घर में गए थे, क्या नाम तुम्हारी? सुमित जी। इनके घर में तो गगर खुश हो गए, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का घर में जिनकी छवि है, मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, और जब वहां पर गए ना देखा पूरा परिवार तिलक लगाए, और ये भैया तो पहले से कट्टी पहन के रखे थे, हैं? इसलिए घर में जाकर ना खुश हो गए, बोले भैया एक एक घर में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, हमारे ठाकुर जी के घर में, और यहाँ पर भक्त लोगों ने अपना अपना घर में हम लोगों को निमंत्रण देकर कीर्तन करवाया, इसलिए ठाकुर जी सबको आशीर्वाद करे, ठाकुर जी सबको भक्ति दे, और सब लोग आनंद में रहे और भगवान की भक्ति करे। अभी कृष्ण रुक्मणी भैया, कृष्ण रुक्मणी की यहाँ पर ले आओ कृष्ण रुक्मणी को, बोले श्री रुक्मणी रामायण भगवान की। देखो कृष्ण रुक्मणी के हाथ में तो माला दे दे, तो भैया नीरज इनको दोनों दोनों हाथ में दो माला दे दो, आ जाओ कृष्ण रुक्मणी इधर आ जाओ। रुक्मणी है ना, ये विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा की ये बेटी हुई, पांच उनकी बेटे और सबसे छोटी उनकी कन्या बेटी रुक्मणी सख्या, ये लक्ष्मी है। नारद जी को पता था बचपन में कृष्ण की कथा सुनाया करती थी, अभी कृष्ण कथा सुनते सुनते उसकी भावना आ गई, मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पास में पत्र लिखा, अगर मेरे को आप यहाँ से उद्धार नहीं करोगे, लेकिन ये शरीर त्याग करते रहूंगी, लेकिन किसी सियार से मैं शादी नहीं कर सकती। भगवान को जो पत्र लिखे, बोले मेरे को कैसे आप उद्धार कैसे करोगे, उन्होंने ये भी बात बता दी, बोले देखो प्रभु जी हमारी नियम है, जब बेटी शादी करती है ना, वो शादी से पहले माँ देवी की पूजा करने के लिए हम जाती है, जब हम माँ देवी की पूजा करने के लिए मैं जाऊंगी, वहीं पर आप अपना पराक्रम को दिखा करके आप मेरे को अपहरण करना। उन्होंने डिटेल्स रूप में सब कुछ लिख दिया। इतने में भगवान कृष्ण आए, और मई रुक्मणी जिस समय देवी पूजा करने के लिए गई, वहां पर शंकर स्वयं प्रकट हुए देवी को साथ में, वेद मंत्र से उन्होंने कृष्ण रुक्मणी की शादी करवा दिए, और रुक्मणी जब वहां से निकली चार तरफ में शिशुपाल ने सैन्य सामंत को सजा धजा कर रखा था, कृष्ण आएंगे तो आक्रमण करेंगे युद्ध करेंगे, लेकिन रुक्मणी इतने सुंदरी थी, जब अपना घूंघट को उतारी इनकी रूप को देख करके सबके सब सैनिक बेहोश हो गए। इतने भगवान कृष्ण प्रकट हुए और रुक्मणी को लेकर ठाकुर जी चले गए, और लेकर जब चले गए उनकी होश आया, बोले रुक्मणी कहाँ, बोले जिसकी थी उसने ले गया, बोले गया कहाँ, इतने में मारो मारो पीटो पीटो, इतने बलदेव प्रभु प्रकट हुए, बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, रुक्मणी लेकर तू जा, मैं इनको देख लेता हूँ। ओ बलदेव प्रभु अपना हाल और मुसल को निकाले, ऐसे पिटाई सूर की भगदड़ मच गई वहां पर, और सबके सब भाग गए, और कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारका में गई, और रुक्मणी कृष्ण की वहां पर शादी हुई। प्रभु जी एक भजन गाएंगे, कृष्ण रुक्मणी कैसे शादी हुए हैं, जो नाच सकते हो ठाकुर की दरबार में, ठाकुर की शादी में जो नाचेगा ना
आज जिंदगी भर आप प्रेम से नाचते रहोगे। एक चोइस बजे गा आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा
हाँ देखो और एक आना सुमित जी, हमारे जो वृंदावन धाम में वहाँ पर ये ब्रज मंडल 84 क्रोश है। हाँ ध्यान देकर सुना, जो वृंदावन जो 84 ये ब्रज मंडल धाम है, ये 84 क्रोश इसीलिए हम भगवान को भूल करके ये 84 लगते हैं। अगर जीवन में एक बार ये 84 क्रोश को कोई परिक्रमा लगा ले, फिर उसको 84 लगते जो नहीं भटकना खत्म हो जाती है। कृष्ण कहाँ पर बंसी बजाए, कहाँ पर गैया चराए, कहाँ पर रास रचाए, कहाँ मखन चोरी की, ये पूरा 84 ब्रज मंडल, चार धाम केदारनाथ बद्रीनाथ, वहां से हमारी एक परिक्रमा निकलेगी। अगर किसकी इच्छा होगी लेकिन बेस से उसको परिक्रमा करो ना, एक कदम लगता है करके कितना समय लगता है, लगता है एक महीना डेढ़ महीना लग जाती है, लेकिन वो केवल 8 दिन में ही वो परिक्रमा होगी। लेकिन वो जो 8 दिन में पूरा गाड़ी में, 8 दिन तक गाड़ी में जाना पड़ेगा, तभी वो परिक्रमा 8 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर किसकी इच्छा होगी, हम भी वो ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहते हैं, हाँ, जो उसकी इच्छा होगी अब आ करके, कितने तारीख को ब्रजमंडल परिक्रमा, हमारे सुंदर उपाल कर रहे हैं, 20 नवंबर से शुरू होगी, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तारीख तक ये परिक्रमा है। अगर जिनकी इच्छा हो आप 8 दिन में आकर के पूरा 84 क्रोश को, डेढ़ महीना परिक्रमा को 8 दिन में कर सकते हो। अगर किसकी इच्छा होगी आप इनसे बोलना, फिर ये वो प्रभु साथ में कंटेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी सुदाम भैया आ रहे हैं, सुदामा जी हाँ बोलो प्रभु भैया। देखो देखो ये गरीबी का बाप कृष्ण के दर पे